ये मेरा पेज है, तो मैं सर को इंट्रोड्यूस करता हूँ। डॉक्टर आशीष रतोगी सर हैं हमारे साथ, एंड वेटरन तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सर का है। और पॉइंट है कि आज बहुत सुनहरा मौका मिला मेरे को सर के साथ फेसबुक लाइव में जाने का, एंड लास्ट एक महीने से सर के साथ मेरी इंटरेक्शन है, और लास्ट एक महीने में जो मेरे को फील हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर का नॉलेज, इन डेप्थ चीजें, एक एक चीज को लेके। एक होता है ना, लोग होते हैं जिनका नॉलेज का विड्थ होता है, और एक कैटेगरी होती है जिनका नॉलेज का डेप्थ होता है, और सर ऐसे इंसानों में से मुझे मिले जिनका विड्थ भी है और डेप्थ भी है। तो आई एम रियली लकी कि सर के साथ आज के डेट में काम करने का हमको मौका मिल रहा है, एंड सर से कुछ कुछ चीजें आज सीखनी है, सुननी है, जाननी है, और मोर इम्पोर्टेंटली डिस्कशन करनी है। एक हेल्दी डिस्कशन करना है, जहाँ पे कि बहुत सारी चीजें जो कि हर एक इंसान के लिए रेलेवेंट है आज के डेट में, वेदर वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हो, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके अपना ओपिनियन क्रिएट करना चाहते हो, तो उनके लिए एक बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही कैसे मैं बताऊँ, एक एनलाइटनिंग सेशन होगा। मुझे पूरा विश्वास है, और सर काफी तगड़े तगड़े सवाल मैंने तैयार किए हैं। सर टीम से भी मैंने 3-4 सवाल मंगाए कि सर आज आशीष सर से ये सवाल पूछेंगे। सो वही बात है कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन, तो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी जल्दी ज्वाइन कर जाएं, और ऑब्वियस सी बात है ये फेसबुक में पोस्टेड रहेगा, तो बाद में भी आप इस लाइव को देखेंगे। तो सर एक सवाल मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा, जो सर मेरे को दिन में एटलीस्ट 40-50 लोग आज के डेट में पूछ रहे हैं। पहले मैं सर आपने फेसबुक लाइव, जी सर, मैं फेसबुक लाइव कम करता हूं अब, पहले क्योंकि मैं बहुत करता था। जी जी, फिर कुछ लोगों ने कहा यार ये आदमी बोलेगा तो फिर हम वही वाली कहानी है कि हम बोलोगे, बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है बोला। ये तो सर बात सही है जी सर, इसलिए मैंने कोशिश करी यार कि मैं लाइव में ज्यादा ना आऊं। हाँ, लिखना मेरा पैशन है, तो मैं फेसबुक पे लिखता बहुत रहता हूँ। जी जी जी, और सर मतलब जैसे आपके बारे में पता चला, या आपके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किए, या किसी का भी हम रिसर्च करते हैं तो उसके फेसबुक प्रोफाइल में जाते हैं, पोस्ट के नीचे वाले पोस्ट के नीचे वाले पोस्ट के, और सर बहुत ही तगड़ा भयंकर वाले पोस्ट थे सर। एक चीज तो पक्का, आपके दोस्त तो बहुत होंगे सर, लेकिन सर दुश्मन भी बहुत होंगे। ऐसे भी लोग हैं जो बंदूक लेके ढूंढ रहे हैं, और उन्हें लगता है कि अगर उन्हें एक इंसान को मारने की छूट दी जाए तो शायद मुझे गोली मार दे। अरे सर आपको लंबी उम्र मिले सर। तो सर वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो मेरे को आज के डेट में दिन में 20-25 बार लोग पूछ ही देते हैं, अभी 3-4 लोगों को मैं जवाब दे के आ रहा हूँ। सवाल यही है कि भाई डार्जुम 9 ही क्यों ज्वाइन किया, तो ये सवाल सर मैं आपको स्विच कर देता हूँ। सर मेरे लिए है, ये बाकी सबके लिए है। वैसे तो सर आप ने इनको ज्वाइन किया, या मतलब बाकी सबको क्यों करना चाहिए? नहीं 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 सर, सर बाकी सर को रहने दीजिए ना सर, अब आपस की बात है सर, 1-to-1 कन्वर्सेशन है सर। आपने क्यों ज्वाइन किया सर? मैंने क्यों ज्वाइन किया? जी देखो, जब मैंने दर्जू ने इनको ज्वाइन किया, तब एक्चुअली दर्जू ने एक छोटी सी कंपनी थी, बिल्कुल जी। आज सौभाग्य से लगभग 1 मार्च 2020 को मैंने दर्जू ने इनको ज्वाइन किया था जी सर। उससे पहले भी मैं इस इंडस्ट्री में था, एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ था, ठीक है। और वहां पे मैं सच बोलूं थोड़ा सा परेशान था, मतलब मेरा बिजनेस 17 देशों में पहुंच चुका था, लेकिन तब भी वो कंपनी का जो इंडियन मैनेजमेंट था, दोस पर्सन वॉज नॉट परफॉर्मिंग, ऑल्दो कंपनी वॉज अ ग्रेट कंपनी। तो मैं सिर्फ ये था कि भाई एक या तो ये दो पॉइंट थे मेरे लिए, या तो मैं इंडस्ट्री से मूव हो जाऊं, क्योंकि जिस कैटेगरी से इंडस्ट्री में काम हो रहा था मुझे लगता था मैं नहीं कर सकता। तो अच्छा, फिर कुछ लोग बोलते थे ये आदमी ना रिबेल है, बागी है। एक्चुअली रिबेल या बागी आप क्या कहते हो, व्हेन यू हैव ए विजन। जी, कोई थर्ड पर्सन भी ज्वाइन कर रहे हैं मेरे साथ सर, हमारे अजीज अंकित दास जी सर। अरे वाह,
अंकित भाई एक्चुअली आई वाज कैसे वेरी हैं? मच एक्साइटेड एंड मैंने अमरीश सर को कहा कि सर इतना एक्साइटिंग सेशन मिस नहीं हो सकता सर, आई आल्सो वांट टू ज्वाइन एंड नहीं, वेलकम, स्वागत है आपका अंकित भाई जी सर, जी सर, जी सर, एंड वेरी जी सर, थैंकफुल कि सर मुझे आप लोग हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं सर, एंड लाइक प्लीज सर कंटिन्यू सर, बिल्कुल सर जी। तो एक चीज था कि बेसिकली बागी या जो मेरे बारे में कहा गया, तो मैंने ये देखा यार कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो ट्रेडिशनल नेटवर्कर जो कहलाते हैं उनसे नहीं मिल रहा है। तो और अच्छा, वेर यू हैव ए विजन तो यू हैव द ब्रेक द रूल्स। तो मुझे ये लगा यार मेरा, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, मेरे जो मन में आया मैं वो लिखता हूँ ज्यादातर, ठीक है। तो कई बार क्या होता था, वो अक्षय कुमार का डायलॉग था, हम तो सच बोलता है लोगों को मैं तो जो मेरे दिल में आता है वो मैं बोलता चला जाता हूँ। तो अब अच्छा मुझे लगता था यार मैं अकेला ही शायद ऐसा आदमी हूँ, और मुझे, मैं इंडस्ट्री में लीडर्स से मिल रहा था लगातार, लेकिन मुझे अंदर से वो किक नहीं मिल रही थी सच बताऊं तो जी। फिर मैं एक व्यक्ति से मिला, उनका नाम है जितेंद्र डागर। तो जब मैं पहली बार मिला तो मैं 4-5 घंटे बैठा, और ज्यादातर क्या है कि मेरे में एक परेशानी है, मैं बोलता बहुत हूँ, मैं ज्यादातर जब किसी के साथ बैठता हूँ तो मैं ही बोलता रहता हूँ। उस दिन कुछ अलग हुआ, उस दिन मैं लिसनिंग मोड में आ गया। मैंने यार अच्छा, जब मेरे जो मित्र मुझे लेके गए थे बोले सर डॉक्टर साहब एक बात बताऊं, मैंने कहा हाँ। वो मुझे सुबह, उसी दिन सुबह जिस दिन मैं डागर साहब से मिला था, उसी दिन सुबह इस इंडस्ट्री के एक और दिग्गज से मिला था। तो हालांकि वो व्यक्ति भी अच्छे थे, मैं प्रभावित भी हुआ था, लेकिन मैंने कहा यार इस आदमी से मैं कैरियर का डिसीजन नहीं ले सकता, मैं इंप्रेस हूँ, सब कुछ है। तो जब मैं डागर साहब से मिला तो वो मिलवाने वाले एक ही व्यक्ति थे दोनों जगह। तो बोले सर सुबह तो आप बोल रहे थे यार, डागर साहब के सामने आप सुन रहे थे। मैंने कहा हाँ यार, पहली बार मुझे लगा कि अभी मुझसे बड़ा रिवेल हो सकता है तो बट बेसिक चीज क्या थी जो मुझे लगा, मैंने कहा यार ये जो पर्सन है, दिस गाय हैव ए विजन, ठीक है, इसके पास प्रोडक्ट लाइन की बात करता हूँ तो इसके पास नॉलेज है, मैं इससे डायरेक्ट सेलिंग की बात करता हूँ तो मैं, देखिए कोई भी क्या होता है कि अगर मैं भी हूं इस इंडस्ट्री में तो हर आदमी की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो सीखता चला जाए, ठीक है। सीखोगे किससे, जिसके पास आपसे ज्यादा ज्ञान होगा, जिसके पास आपसे ज्यादा एक्सपर्टीज होगी, जिसके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो जितेंद्र डागर जी के पास मुझे वो दिखा पहली बार में, लेकिन अपन भी एकदम से पक्के मानने वाले तो थे नहीं, 4-5 घंटे बैठे, मैंने कहा ठीक लग रहा है यार ये आदमी टाइप से, ठीक है। तो मेरे दोस्त बोले बस ठीक लगा, तो मैंने कहा हाँ हाँ अच्छा। वो पर्सन चाहते थे कि मैं उन्हें सजेशन दूं कि उन्हें अपनी कंपनी मर्ज करनी थी, तो मैंने एक सिंपल आंसर दिया, मैंने कहा यार देखो मैं तो करूंगा नहीं, लेकिन आपको एक सलाह दे रहा हूँ, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं तो ये जितेंद्र डागर जी के साथ चला जाता। तो बोला पक्का सर, मैंने कहा हाँ यार मैं तो ये पंगा ले लेता, कि मैं तो लाइफ में पंगे लेने का आदी हूँ और ये पंगा मैं छोड़ता नहीं। तो वो बात थी करीब शायद अक्टूबर 2019 की, और अक्टूबर से फरवरी तक मैं डागर साहब से मिला कम से कम 4 से 5 बार, मतलब कुछ भी नहीं होता था। तो मैं अपने मित्र से कहता मैं यार एक काम करते हैं डागर साहब के पास चलते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस था। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपने क्या देखा था, मैंने दार्जुनाइन देखी थी, मैंने उसके प्रोडक्ट देखे थे, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो आज वास्तविकता है उस समय सिर्फ दिमाग में थी। जैसे बोलते ना कुछ भी बनने से पहले जो चीज होती है पहले वो दिमाग में चीजें बनती हैं। विजन टू रियलिटी सर, विजन टू रियलिटी। हाँ, विजन टू रियलिटी। तो मैंने कहा यार ये अगर मुझे काम करना है इस इंडस्ट्री में तो मैं तो ये जितेंद्र डागर नाम के आदमी के साथ काम करूंगा। और 1 मार्च 2020 का दिन था, तो एक इवेंट था उसमें मैं गया वहां पे, ठीक है, शाम में। अच्छा अपन को ना छुप छुप के काम करने की आदत नहीं है। मैंने सोचा यार आज मजा आया, मतलब उस इवेंट में मुझे मजा आया, तो मैंने कहा अब काम शुरू करते हैं। बस काम शुरू किया तो मैंने तुरंत जो है सोशल मीडिया पे डाल दिया दर्जू नहीं जी, तो जी। उस समय कुछ लोगों ने मजाक बनाया, ये कौन सी कंपनी है, अच्छा ये वो वाली कंपनी है जो डॉक्टर आशीष करता है। अच्छा जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस मोड में नहीं था, हल्का सा डिप्रेस था,
लेकिन फिर मोदी जी ने एक दिन घोषणा कर दी लॉकडाउन की, उसके 20-22 दिन बाद। तो जब मैंने कहा अच्छा पहले तो मैं अकेला परेशान था, अब तो पूरी दुनिया परेशान है, एक काम करते हैं अपन सोते हैं। तो मैं 3-4 दिन जम के सोया, पूरे पूरे दिन सोया हूँ मैं लॉकडाउन में। अच्छा जब सो चुके, आपकी थकान निकल गई, डिप्रेशन निकल गया, तो आप क्या करें, आप कुछ काम करते हैं। तो मैंने सोशल मीडिया पे चालू कर दिया, चालू किया तो वो रिस्पॉन्स आया मेरे पास जिसकी शायद मैंने इमेजिनेशन नहीं की थी। लोग ऑटोमेटिकली आके, अच्छा आपने दार्जिलिंग किया, हम करते हैं। फिर जैसे कहते हैं ना, अगर आपकी, मैं एक शब्द बोलता हूँ, नियति जो है वो आपकी नियत से तय होती है, जो डेस्टिनी है वो इंटेंट क्रिएट करता है। तो हमारी इंटेंट सही थी। कुछ ऐसा हुआ कि जितनी भी मतलब इंडस्ट्री के दिग्गज थे वो लोग देखने लगे दार्जिलिंग को, और फिर धीरे धीरे आने लगे, और आज आप देखिए कि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो सर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और थोड़ा एक्सटेंड करूंगा। आज हाँ, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग सोच रहा है, कोई नॉन डायरेक्ट सेलिंग इंसान दूसरी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और वो डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहता है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट विद अ कंपनी, उसके लिए आशीष सर शायद आपको क्लियर आ रहा है? नहीं क्लियर है, क्लियर है, ओके चलो ठीक है, क्लियर करते हैं सर। तो सर आज के डेट में अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि डायरेक्ट सेलिंग से बिलोंग नहीं करता और वो डायरेक्ट सेलिंग शुरू करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए दार्जिलिंग एक राइट कंपनी कैसे होती है, या हाउ कैन ही से कि दार्जिलिंग इज अ राइट कंपनी फॉर हिम और हर, आपका क्या इस पे ओपिनियन है सर? देखिए बेसिक चीज समझिए, जब मैं तो पहले पूछता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग ही किसी को क्यों करनी है। अच्छा मैं किसी कंपनी का नाम तो लेता नहीं हूँ, लेकिन अक्सर यह है कि डायरेक्ट सेलिंग वाले से पूछो क्या करता हूँ। आई एम एन एंटरप्रेनर, अगर मैं उनसे बोल दूं एंटरप्रेनर की स्पेलिंग लिखो, तो मैं शर्त लगा के कहता हूँ इस देश में ना 90% जो एंटरप्रेनर बोलते हैं अपने आप को, वो एंटरप्रेनर की स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे। अब आपको बेसिकली समझना पड़ेगा कि वॉट इज एन एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर हमेशा वो व्यक्ति होता है, बिजनेसमैन हमेशा वो व्यक्ति होता है जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है, और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जब वो मार्केट को देता है तब पैसा ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलर एंटरप्रेन्योर बहुत कुछ करता है, डायरेक्ट सेलर उसका बहुत छोटा सा हिस्सा करता है। ये बात हो सकता है आपको नेगेटिव लगे, बट ये सच्चाई है, ठीक है। मैं प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर रहा, प्रोडक्ट के पीछे की R&D मैं नहीं कर रहा, मैं नेटवर्क मार्केटर हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट के, मैंने सिस्टम खड़ा नहीं किया, तो मुझे बहुत सारी चीज, जैसे बच्चे होते हैं ना स्टेंसिल, स्टेंसिल का क्या काम होता है, वो वर्ड लिख देता है बड़े आराम से। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक रेडीमेड स्टेंसिल है, अब एक सिस्टम है। मैंने जब इंडियन मार्केट की मैं बात करूं, चाहे इवन ग्लोबल मार्केट की बात करूं, बिजनेस हमेशा वो ज्वाइन करना चाहिए जहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। और आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम और आप ये देख रहे हैं, पिछले 2 साल से पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। आज की डेट में एक एक आदमी को ये समझ में आता है कि इन्वेस्टमेंट इन इम्यूनिटी इज बेटर इन्वेस्टमेंट देन इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। तो आज दार्जिलिंग एक कंपनी है, मैं ये भी नहीं कहता कि वो कंप्लीट सॉल्यूशन लेके आई है, लेकिन वो सॉल्यूशन का थॉट लेके आई है। कोई भी कंपनी, आज जैसे सुबह भी हमारी बात हो रही थी, अब ये देश जो है वो वास्तव में एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जा रहा है, ठीक है। इंडिया में शोज, पहले टीवी शो कौन से चलते थे, पहले टीवी शो चलते थे गाने गाने के और डांस के। आज इंडिया में टीवी शो चल रहा है सर, शार्क टैंक इंडिया, जो एंटरप्रेनर्स सिखा रहा है, जो ये बता रहा है B2B बिजनेस कौन सा होता है, B2C बिजनेस क्या होता है, कि एक प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं। आप ये सोचिए वो कौन देख रहे हैं, 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के, 15 साल के, 18 साल के बच्चे देख रहे हैं। तो एंटरप्रेनर का माइंडसेट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इंडिया में मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर मैं बात करूं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, देखिए एक कंपनी लेके आई थी लगभग 100 साल पहले कि मेडिसिन प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हम न्यूट्रिशन लेके आए हैं जी। उसके बाद जितनी कंपनियां आई, बुरा मत मानिएगा, इंडिया में इस समय
वो सब डुप्लीकेट की डुप्लीकेट की डुप्लीकेट की डुप्लीकेट की डुप्लीकेट है। तेरी कंपनी गाड़ी देती है, मेरी कंपनी भी देती है। तेरी कंपनी चेक दिखाती है, मेरी कंपनी भी दिखाती है। सर, हम वो इंडिया की पहली कंपनी है आज की डेट में, गर्व के साथ कह सकते हैं, जो प्रोडक्ट दिखा के बात करते हैं, जिसके लीडर्स आपसे ये नहीं कहेंगे कि देख मेरा चेक, मेरा चेक आया था, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। किराए के घर में रह के यार गाड़ियां दिखा रहे हो, ऑडी 55 लाख की, ठीक है, जिस शहर में मकान आ जाता है पूरा, फ्लैट आ जाता है 55-60 लाख का, वहां पे आप किराए के घर में रह रहे हो और गाड़ी दिखा रहे हो, क्योंकि गाड़ी दिखा के फ्यूचर का बिजनेस होना है। सर, अब वो पहली कंपनी है, दार्जू ने इनके अलावा एक कंपनी बोलो जो गर्व से कहे मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बेस्ट है, मेरा विजन मार्केट में बेस्ट है। आप छोड़ दो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एक नॉर्मल कस्टमर ऐसा है जो प्रोडक्ट एक बार यूज करता है, भाई साहब आप कुछ भी निकाल लेना उसके घर से, प्रोडक्ट नहीं निकलता। हमारे 100 रुपए की हल्दी से मैंने जॉइनिंग उठाई हुई है, 100 रुपए की 105 रुपए की हल्दी आती है, उससे हमने लोग ज्वाइन कराए हुए, उससे व्यक्ति जीता हुआ है। जब आपका प्रोडक्ट में दम होता है तो प्रोडक्ट जाता है और ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट क्रिएट करके लाता है। तो हम वो इकलौती कंपनी है जो ओन और एनडी के साथ लगभग 150 प्रोडक्ट लेके आई है, ठीक है। हम वो पहली कंपनी है, अब मैं बोलता हूं, आपने पूछा दर्जू नहीं, क्योंकि मार्केट में प्लान 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 बोल रहे हैं। अच्छा, किसी ने अभी ये बोला कि प्रोडक्ट कुछ नहीं होता, उसके लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि उसने कंपनी चेंज कर ली, उसे पता ही नहीं है उसने कंपनी क्यों चेंज कर ली। प्लान की बात करते हैं। सर, प्लान क्या होता है? प्लान इज ए मैथमेटिकल क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मैं बोलता हूं आज की डेट में आप बुला दीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन समझा दे कोई आदमी, इस देश में 150 करोड़ लोगों में जो गाड़ियां लेके घूम रहे हैं उन्हें प्लान की कैलकुलेशन नहीं आती। मैं किसी का नाम नहीं लेता, आपको भी पता है। तो दार्जू नाइन वो पहली कंपनी है, पहली चीज प्रोडक्ट शानदार प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान मार्वलस, मतलब सुपर। आप मैथमेटिक्स में बैठ जाओ ना किसी भी इंसान को, और अगर किसी में चैलेंज करने का दम हो, आज मैं बोल रहा हूं ओपन मीटिंग में, ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर के पास जाके दिखा दे किसी और कंपनी का, मैं जाके दिखाता हूं। कोई साइंटिस्ट हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, दार्जू नाइन के प्रोडक्ट में वो दम है कि आप उसके पास जा सकते हो, एंट्री ले सकते हो, सुप अच्छे से अच्छा, आप बोल सकते हो कि इंटरनेशनल कंपनी से बेटर प्रोडक्ट हमारे पास है, इंटरनेशनल कंपनी से बेटर जो है मार्केटिंग प्लान हमारे पास है। तो ये मैंने पूरी दुनिया को रीजन दिया हुआ है दार्जू नाइन ज्वाइन करने का। अब ज्यादा वही है, ज्यादा बोलूंगा तो फिर वही लोग बोलेंगे कि ये बोलते हैं यार, बोलोगे तो बोलते हैं, बोल रहे हैं। तो सर, सर फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दार्जू नाइन भी कभी फ्यूचर में इंटरनेशनल जाएगी? हाँ जाएगी, क्यों नहीं जाएगी। लेकिन एक बात बताओ, पूरी दुनिया की आबादी है 750 करोड़, 150 करोड़ हमारे पास है भाई, ठीक है, मतलब पूरी दुनिया की 20% जनता हमारे पास है ना। पूरी दुनिया में इंडस्ट्री कितने की है? $200 बिलियन की, $200 बिलियन की इंडस्ट्री है। भारत का शेयर कितना है? 3 बिलियन, 3 बिलियन, लेस देन 3 बिलियन। तो सर अगर 200 की है तो कम से कम 40 बिलियन तो होना चाहिए। हम पहले दार्जू ने इनके 40 बिलियन टर्नओवर कर लें इंडिया के अंदर, फिर हम बाहर जाते हैं। सर यहाँ पे एक सवाल है, आपका ये जो आपने डाटा दिया, राइट, लगभग $3 बिलियन का इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। 3 बिलियन नहीं है इंडिया में, 16,000 करोड़ है। ओके, 16,000 करोड़ होता है करीब 2.2 या 3 बिलियन $, राइट, 2.5। तो सर अगर मैं यहाँ पे आपसे ये थोड़ा सा आपसे ये फीडबैक लेना चाहूँ कि आपके हिसाब से इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की टर्नओवर जितनी बढ़नी चाहिए उतना आज की डेट में नहीं बढ़ी है, ये तो फैक्ट है। तो उसके पीछे सर आपको क्या लगता है, व्हाट हैज बीन द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर नॉट, है ना, ग्रोथ ना होने का मेजर ड्राइविंग फोर्स क्या है, स्पेशली जब 20 साल से बड़ा इंडस्ट्री है? 20 साल पुराना इंडस्ट्री है सर इंडिया में, तो ऑब्वियसली, और इतने सारे कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, गलत सर पूछ रहे हो। नहीं, मैं तो सर पूछूंगा सर, हम तो पूछेंगे, जनता जवाब चाहती है आज के।
जनता भी जवाब चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं कि कोई तो थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि बेसिक चीज समझ लीजिए, 95-96 में इंडस्ट्री आ चुकी थी, 96 में ऑफिशियली आ गई थी, ठीक है। जब पहली कंपनी जो आई थी वो ओरिफ्लेम आई थी स्वीडन की, ठीक है, उसी साल जो है वो मोदी केयर चालू हो गई थी, ठीक है। फिर 98 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एमवे इंडिया में एंटर कर गई, 99 में अर्बन लाइफ आई, फिर एफएलपी आई। उस समय क्या हुआ, कुछ फ्रॉड कंपनियां भी आई फिर 2000 के आसपास, राइट। अब यहाँ पे दो चीजें थी जो मैं, अगर आप सोशल मीडिया पे मेरे साथ जुड़े हो, फेसबुक पे देख रहे हो, तो मैंने एक मुद्दा उठाया था। दो तरह के लोग होते हैं किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में। अब आज आप समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या इंडिया में चल सकती है, तो आंसर है हाँ। सर यहाँ पे ना एक चपरासी की पोस्ट निकलती है ना, तो पीएचडी होल्डर जाकर लाइन में लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आप समझिए, यहाँ पे इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट में एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन है। वहां आपकी रोटी की चिंता सरकार कर रही है, क्योंकि यूएस से इंडस्ट्री आई है, इसलिए मैं इस बात पे चर्चा कर रहा हूँ जी। वहां आके बेसिक नीड जो है, आप अगर कोई बीमार हो जाए तो गवर्नमेंट टेक केयर कर लेगी, यहाँ पे सर कुछ नहीं करेगी गवर्नमेंट, यहाँ पे सब कुछ अपने आप करना है। तो वहां बेसिक की फाइट ही नहीं है, वहां पे फाइट है लग्जरी की, ड्रीम्स की। अब इंडिया में क्या किया गया, इंडिया में भी वही ड्रीम्स दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि बाहर तो गाड़ी दिखा रहे हैं लोगों को, बाहर चेक दिखाए जा रहे हैं, तो हम भी वही दिखाते हैं। सर इंडिया में आदमी बेसिक आप समझा दीजिए कि भाई तेरे घर का राशन आएगा तो 20,000 रुपए कमाएगा, ईमानदारी के नंबर एक के। सर इंडिया में 90% लोग, 95% डायरेक्ट सेलिंग के लोग आज भी 20,000 रुपए नहीं कमाते। लेकिन अब झूठ बेचने में क्या हुआ था, कुछ पहले मूर्ख बने, जब ठग आए मार्केट में, चोर आए मार्केट में, तो कुछ लोग मूर्ख बने, मतलब जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान में गए लुट गए। अब लुट गए तो उनका अपग्रेडेशन बदला कैसे लें, खुन्नस है कि हमें लूटा, हम क्यों लुट गए, तो वो उन्होंने कुछ पॉजिटिव नहीं किया, वो मूर्ख से खुद ठग बन गए। उन्होंने कहा अच्छा मैं लुटा हूं ना आज, अब मैं पूरी दुनिया को लूटेगा तेरा भाई। वो एग्जैक्टली ये हुआ। अब देखिए कमी किसकी है, यहां कमी थी उन लोगों की जो चुप रहे। सर भीष्म पितामह की गलती क्या थी आपको पता है, कल जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना, तो भीष्म पितामह जी ने गर्दन झुका ली थी कि मैं तो इस जो ये तख्त है, जो ये सिंहासन है, इससे बंधा हुआ हूं। अरे ऐसी क्या प्रतिज्ञा थी जो एक स्त्री के चीरहरण से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। द्रोणाचार्य की गलती भी सर यही थी, कर्ण महावीर था लेकिन जिस समय एक स्त्री का चीरहरण हो रहा था वो चुप रहा। तो सर इस इंडस्ट्री का पिछले 20 साल से बोलना नहीं चाहता, चीरहरण होता है, और आज भी जितने महागुरु बने बैठे हैं वो मुंह पे जीव उनके अंदर है। तो सर अच्छा जब ये सारा कुछ हुआ, चोर बढ़ते रहे, चोर आते रहे, एक आम आदमी में इंप्रेशन गलत चला गया, ये था पहला कारण। दूसरा कारण, आज मान लीजिए मैं आपका कंपटीशन हूं और आप एक प्रोडक्ट लेके गए, मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल, अब मैं पहुंच गया, अरे तुम स्पाइरुलिना ना इस कंपनी की मत खाया करो, ये तो बहुत खराब कंपनी है, इससे सस्ती मेरी है, कितनी सस्ती है, 10 रुपए सस्ती है। अच्छा सर उस जो नया आदमी था जिसने स्पाइरुलिना के फायदे सुन के आपसे प्रोडक्ट लिया था, अब वो वापस पहुंचा, उसने कहा यार मैं ये नहीं लूंगा, तो आपने बुराई कर दी, आपने बुराई कर दी। तो जो थर्ड पर्सन नया इंडस्ट्री में आ रहा था, उन्होंने देखा यार ये इंडस्ट्री के लोग आपस में लड़ते मरते रहते हैं, ये गंदे लोग हैं, मैं तो इंडस्ट्री में आऊंगा ही नहीं। तो इसका कारण ये था कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग का सम्मान नहीं करते। सर बाहर के लोग आपका सम्मान जब करेंगे, जब आप अपने कलीग्स का, दूसरी कंपनी का, जो सही लोग हैं उनका सम्मान करेंगे। सर घर में हम आपस में लड़ सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए एक घर में एक बच्चा हो, उसका घर का नाम पप्पू हो, ठीक है, तो
और जैसे ही वो बाहर निकले घर वाले आवाज लगाए, अबे ओ पप्पू, पप्पू पढ़ लिख गया और राजा बाबू बन गया। ठीक है, उसे बाहर पप्पू कहलाना पसंद नहीं, लेकिन घर वाले पप्पू चिल्ला रहे हैं, मोहल्ले को पता चल गया कि पप्पू है, तो बाहर वाले भी उसे आवाज लगाने लगे, क्या राजा बाबू नहीं बोलेंगे उसे, क्या पप्पू बोलेंगे। तो इस इंडस्ट्री को खराब बोला उन लोगों ने जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आप ये बोलो सर, एक एक स्टेटमेंट ही तो पास करना है। अब मान लो कंपटीशन वाली कंपनी की स्पाइरुलिना है, बोलो सर ये स्पाइरुलिना इस कंपनी की, सर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए कंपनियों के प्रोडक्ट तो अच्छे ही होते हैं। आप ये देखो, आपने पूरी तस्वीर बना दी। वो कह गया बड़े अच्छे, अच्छा किसी भी, हाँ सर ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, हालांकि हमारी तो कंपटीशन है, लेकिन सर क्या प्रोडक्ट बनाती है, मार्वलस। सर वो जो नया आदमी एंटर हो रहा था उसके दिमाग में क्या इंप्रेशन गया, तो सर ये इंप्रेशन पॉजिटिव क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए ये सारी परेशानी हुई। इसलिए आज 150 करोड़ लोगों के देश में ये इंडस्ट्री 15-16-18 हजार करोड़ कर रही है। सर 15 हजार करोड़ की तो मैगी खा जाते हैं। ठीक है, एक सिंगल ब्रांड, एक कंपनी का सिंगल ब्रांड जो सिर्फ 10 रुपए का, 12 रुपए का, 20 रुपए का पैकेट बेचती है, 15 हजार करोड़ का टर्नओवर करती है वो। सर आप सारी कंपनियां को मिला लो, ताम झाम चेक कार सब कुछ शामिल कर लो, तब इतना सा टर्नओवर है सर। उसमें भी आपको पता है कि जो मैगी का टर्नओवर है ना, वो 100% ओके है, वो 100% कंजम्पशन हो रहा है। यहां तो मार्केट में बल्क बाइंग करा करा के आधा टर्नओवर खड़ा किया है सर। पता चला कंज्यूम तो आधा प्रोडक्ट हो रहा है, आधा घरों में भरा हुआ है। सर बहुत गहरी बातें कर रहे हो सर। थोड़ा कड़वा है, लेकिन सर सच्चाई है, क्या करे सर, बोलनी तो पड़ेगी। बोलना तो पड़ेगा सर, क्योंकि लोग बच्चों के करियर के सवाल है सर। जी सर, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं सर। राइट, आपको पता है जो लीडर्स हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं, जो दावा करते हैं मैंने करोड़ों कमाए हैं स्टेज पे, अगर उनकी उम्र 50 साल है, उनका लड़का है ना 25 साल का, तो वो लड़के को कहते हैं भाई नौकरी कर ले। 10-20-50-100 एग्जाम्पल छोड़ दीजिए आप। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन को, सर अच्छा डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, अच्छा इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है। ठीक है, कोई लाला जी की दुकान हो, वो अपने बेटे को चाहते हैं दुकान का शोरूम खोल के दूं। सर पैसिव इनकम छोड़ दीजिए इस इंडस्ट्री में, इस देश में एक्टिव इनकम वाले लोग आ जाएं सामने। अगर आदमी वो गाड़ी और चेक ना दिखाए ना, तो उनकी कहानी चलती नहीं है। बड़े से बड़े दिग्गज, बड़े से बड़े महागुरु जो भीष्म पितामह बन के बैठे हैं चुप। सर वो मेरे एक बहुत अजीज मित्र हैं, मतलब 2-3 दिन पहले उनसे बात हो रही थी, तो जो आपने बोला उन्होंने और अच्छे से, शायद वो अभी लाइव भी हैं, शायद देख भी रहे हैं, शायद नाम नहीं लेना चाहूंगा। अच्छा। उन्होंने बोला कि सर यहाँ पे तो सर जिंदे इंसान को पैसे नहीं आ रहे सर, मुर्दों की तो बात ही छोड़ दो, पैसे इनकम तो भूल ही जाओ। पैसे है ही नहीं। मैं बोलता रहूं बेचारे अगर 5 दिन चेक ना दिखाए ना, मतलब जो आदमी ये बोलता है कि मेरे इतने मिलियन, इतने बिलियन, मतलब बिलियन तो नहीं, मिलियन फॉलोअर हैं जी, वो भी बिना चेक दिखाए ज्वाइन नहीं करा पाता प्लान दिखा के जी, इससे बुरी हालत क्या होगी भाई। आप ये बता रहे हो मेरे इतने मिलियन फॉलोअर हैं, देख मैंने गाड़ी ली है भाई, ये मर्सिडीज आई है, मेरी टीम की 5वीं मर्सिडीज है, मेरी टीम की 6ठी मर्सिडीज है, सर प्लान दिखा दो। क्या प्लान दिखाना नहीं आता, प्रोडक्ट के बारे में बता दो, बताना नहीं आता सर। ये एजुकेट करने की इंडस्ट्री है। राइट, यू आर, यू गेट पेड फॉर एजुकेटिंग अदर्स। न्यूट्रिशन के साथ नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म इसलिए हुआ था कि जब आप न्यूट्रिशन लेके जाएं तो लोगों को उसके प्रोस एंड कॉन्स समझाएं, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करें। लोगों को जोड़ने का पैसा नहीं मिलता सर, एजुकेट करने का, ट्रेन करने का पैसा मिलता है सर। 3 बेसिक काम है, पहले आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। राइट, ठीक है, उसके बाद सेल करनी पड़ेगी, उसके बाद सर ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। लेकिन ट्रेनिंग अगर सिर्फ आपका ये है कि ये सेल्स लाता रहे, तो
तो उसकी पर्सनल ग्रोथ खत्म हो गई सर। अब आप ये देखिए कि पर्सनल ग्रोथ के लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने चाहिए, मैं ये मानता हूँ जी, लेकिन आप ये बताइए कि एक बेसिक एंटरप्रेन्योर का सेंस है? आप एक केले वाले के पास जाओ, उससे पूछो भाई केले के क्या भाव हैं, ठीक है, पांच क्वेश्चन पूछ के देखना है केले वाले से। वो छठे क्वेश्चन में कहेगा केले मतलब निकल यहां से। और यहां एक नेटवर्कर के पास कोई आ जाए, भाई साहब चरणों में लेट जाएगा कि भाई साहब लेट हो बस। मतलब ये यू कांट वर्क विद द बेगर्स एटीट्यूड, यू हैव टू वर्क विद द, आप कुछ देने का दम रखो, आपको अंदर से फीलिंग आए कि यार दार्जू नाइन में अगर मैं किसी को प्रोडक्ट देता हूं तो मुझे ये अंदर से फीलिंग आती है कि भाई मैं इसे केमिकल फ्री प्रोडक्ट दे रहा हूं इसकी लाइफ में। अरे वो आता है नहीं आता है मुझे क्या, मेरा घर चल रहा है मजे से चल रहा है, लेकिन कम से कम मुझे तो अच्छी फीलिंग है। रात में जाके सोचूंगा ठीक है नहीं लिया नहीं लिया, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा काम किया, पता चला आपने काम भी कर दिया सेल भी कर दिया तब भी गलत लगा कि यार ये किया क्या मैंने जी। इंटरनल फीलिंग अच्छी होनी चाहिए सर। ठीक सर। सर एक और डायरेक्ट सेलिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है एक्चुअली, मेनी पीपल डोंट एड्रेस इट, और कहीं ना कहीं मेरे को भी काफी इलॉजिकल लगता है ये चीज, और कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी वो एक कारण की वजह से है, वो है ओवर प्रोजेक्शन। डायरेक्ट सेलिंग में पता नहीं सर क्यों क्या कैसे, थोड़ा थोड़ा तो आप बोल चुके हैं लेकिन फिर भी इतना ज्यादा ओवर प्रोजेक्शन है, तो उस ओवर प्रोजेक्शन के वजह से मार्केट में मीम्स बनते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनते हैं, 50 चीजें बनते हैं, और मतलब कहीं ना कहीं बहुत लोग कुछ लाइफ में करना भी चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से नहीं करना चाहते क्योंकि वो साफ बोलते हैं यहाँ पे ओवर प्रोजेक्शन बहुत है। तो सर ये जो ओवर प्रोजेक्शन वाली बात है, तो सर आपको कितने हद तक सही तो ऑब्वियसली नहीं लगती है मुझे पता है, लेकिन सर इसका मतलब क्या, इसका तोड़ क्या है सर? सर इसका तोड़ ये है, देखिए बेसिक मैं आपकी बात समझता हूँ, ओवर प्रोजेक्शन हर इंडस्ट्री में होता है जी। आप ये देखिए कि आज अगर एक यंग बच्चा हो और वो कुछ करना चाहता हो ऑनलाइन, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे कोर्स बिकवाए जा रहे हैं जी, एफिलिएट मार्केटिंग के नाम पे मूर्ख बनाया जा रहा है बच्चों को, ठीक है जी। अब ओवर प्रोजेक्शन क्या है, कोर्स इंडस्ट्री चल रही है पूरी, मतलब अपने आप ने पांच सेल नहीं करी होंगी जीवन में, मैंने करोड़पति बना नेटवर्क मार्केटिंग से, मैं करोड़पति बनना सिखाऊंगा। अच्छा सर बात यह है, जैसे मैंने अभी एक मुद्दा छेड़ा सर, लीडर कौन होता है, एक शब्द है लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में, सर हम ना यहाँ के लीडर हैं। अच्छा लीडर से पूछो तूने जीवन में क्या उखाड़ा आज तक, तो वो कहेगा मैंने कुछ नहीं उखाड़ा आज तक और ना उखाड़ पाऊंगा। मुद्दा यह है सर, आप लीडर का मतलब ही ये है कि आप किसी चीज में एक इनिशिएटिव लो। अब इनिशिएटिव ले रहे हो, जब एक आदमी स्टेज से झूठ बोल रहा है, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी मशीन है जो ऊपर से डालोगे वो नीचे से मल्टी मल्टी फोल्ड होकर निकलता है। तो मैं बार बार जो जिम्मेदार मानता हूं, नीचे वाला बच्चा कभी जिम्मेदार नहीं होता, जिम्मेदार वो लोग हैं जो 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा सिर्फ उन्होंने इंडस्ट्री से लिया ही लिया है, कभी गिव बैक किया ही नहीं सर। सर गिव बैक करना पड़ेगा, ठीक है ना, उन्होंने किसी तरह से गिव बैक के नाम पे क्या करते हैं, अनाथाश्रम में चार कंबल बांटाते हैं। मतलब उनसे कहो सर आप क्या देते हो, अरे मैं तो अनाथाश्रम में जाता हूं, मैं तो वहां चार कंबल बांटाता हूं। सर आपने इस इंडस्ट्री से कमाया, इस इंडस्ट्री को क्या दिया है? तो जब लीडर कहता है मेरे पास गाड़ी आई है, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, ठीक है, मेरी ना पर्सनल याच है, अरे भाई मैं क्या पर्सनल याच ले ली इस आदमी ने, क्या बैकग्राउंड है, मैंने ना ये वाली गाड़ी ली, पता चला बाहर निकला मैं तो अल्टो में बैठा हुआ है। मैं नया नया था इंडस्ट्री का, 2015 की बात है, ठीक है, तो मैंने कहा यार ये तो अल्टो में बैठा हुआ आदमी, इससे बड़ी गाड़ी तो मेरे पास है, अंदर तो बोल रहा था मेरे पास याच है और ये है। बोले वो तो बोल रहा था, मैंने कहा मतलब नहीं है, तो बोले नहीं है। अच्छा मैंने कहा ऐसे झूठ भी बोलते हैं?
भाई अच्छा नए बच्चे को समझ में ही नहीं आता। आप ये देखो कि जब ओवर कमिटमेंट ओवर प्रोजेक्शन जब होता है, जब आप एक्चुअल्स बोलना नहीं जानते, आपको अपनी बेसिक सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती है। राइट आपको बेसिक सब्जेक्ट क्या है हमारा? हमारा बेसिक सब्जेक्ट है, लोगों को बताना पड़ेगा कि सर आप प्रोडक्ट के बारे में बताओ ना सर। आप प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं जानते तो आप दिखाओगे मेरा चेक आता है। अब लीडर दिखा रहा है जिसे 20 साल होगा इंडस्ट्री में, उसे बोलो सर प्रोडक्ट में क्या क्या पड़ा है, ये नहीं मालूम प्रोडक्ट से क्या होता है। मतलब मैं तो बोलता हूँ ऐसे आर्मी को थप्पड़ मार देना चाहिए, तू बेच क्या रहा है। सर मैंने 3 साल पहले जब मैंने बोला कि कार का अहंकार नहीं चलेगा, चेक नहीं चलेगा, सर अब लॉ आ गया, थोड़े दिनों बाद अंदर पड़े होंगे 4-6 लोग, 4-6 अंदर डाल दो, बाकी जनता अपने आप सुधर जाएगी। सर प्रोजेक्शन है क्योंकि हम झूठ पे इंडस्ट्री चलाना चाह रहे हैं। और दूसरा है कि जब एक झूठ बोल रहा है तो सामने से कभी कोई आवाज ही नहीं आती है तो ये झूठ बोल रहा है। राइट झूठ तो सर सब जगह चलता है। आप ये बताइए फिल्म इंडस्ट्री में आप भी प्रोजेक्ट करते रहते हो, लेकिन यहां पर लीडर दिखा रहा है सामने से, देखिए मेरा चेक है। कौन सी इंडस्ट्री में आपने चेक देखे हैं ऐसे? अमिताभ बच्चन ने आके कभी चेक दिखाया आपको? ITR दिखाई? अच्छा मैं बताता हूँ कैसे चालू होता है। किसी ने मुझे बोला कि मैं जब मैं इंडस्ट्री में नया नया था, मैं अपना बिजनेस कर रहा था अच्छा खासा रन, तो मुझे बोला मेरा 40 लाख रुपए कमाता हूँ। मैंने सर्विस टैक्स कितना भरते हैं? तो बोले TDS, क्योंकि उस समय सेल टैक्स और सर्विस टैक्स अलग अलग था, और 10 लाख से ऊपर सर्विस टैक्स भरना पड़ता था। मैं हर महीने अपना माथा पकड़ के बैठता था, यार कमाई तो आ रही है लेकिन हर महीने तो मैं 30-40 हजार 50 हजार का सर्विस टैक्स भर रहा हूँ, ये क्या दिक्कत हो रही है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर आप सर्विस टैक्स कितने भरते हो? TDS कटता है। मैंने कहा यार 40 लाख तो छोड़ो, ये 20 लाख या 10 लाख मतलब 5 लाख रुपए नहीं कमा सकता। मैंने कहा सर ऐसा करो मैं ज्वाइन कर लूंगा, ITR दिखा दो, मेरा चेक देख लो। मैं सर चेक नहीं, मैंने कहा ग्रॉस रिसीप्ट तो सर मेरी भी बहुत है, नेट प्रॉफिट बताओ क्या है, ITR बताओ। मैंने कहा यार आपकी ITR 5 लाख की हुई और आप मुझे बता रहे हो आपके 45 हजार की ज्वाइनिंग। मैंने कहा अभी दूंगा, 5 लाख की ITR अगर आपने दिखा दिया, आपने 40 लाख बोला है मुझे इनकम, 40 लाख की इनकम वाला 5 लाख की ITR तो दिखा सकते हैं सर। ओवर प्रोजेक्शन क्या है, हम काउंटर नहीं करते। आपकी शादी हो गई अमरीश? हाँ सर हो तो गई। अंकित भाई की भी हो गई? बिल्कुल हो गई। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे एक बेवकूफ सा आदमी कहता है अपना चेक भेजो जी। सर शादी हुई थी ना तब मैंने एक से बोला अपना चेक भेजो। मैं क्यों भेजू बे? मैं ऐसे लिख के भेजा बे के साथ, मैं क्यों भेजू बे? तो बोला मतलब, मैंने कहा देख भाई 15 साल पहले ना कुछ लोग आते थे मेरे घर पे और वो मेरी इनकम पूछते थे, उन्हें मैं बताता था, मैं पता है वो लोग कौन थे। मैंने कहा वो आते थे मेरे रिश्ते के लिए, मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय। तो भी मैंने कहा उन्हें भी मैंने इनकम बताई थी, अपना चेक नहीं दिखाया था, ITR नहीं दिखाई थी। और ऐसे मेरी उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज अपनी बेटी दे दी, मेरी शादी हो गई ठीक है। उसके अलावा एक जगह मुझसे इनकम और पूछी जाती थी जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता था जी। HR वाला पूछता था कि भाई क्या करंट पैकेज है, 40% हाइक मिनिमम होती थी कि भाई अगर होगा तो कम से कम 40% की हाइक देगा ये ठीक है। तू क्या देगा, तू मेरी टीम में आ रहा है और मुझसे कह रहा अपना चेक देगा, तुझे क्यों दिखाऊं भाई? पहले तो मैं सोचूंगा कि मुझे तुझे अपनी टीम में लेना भी है या नहीं लेना है। आपको गलत परंपराओं के अगेंस्ट में बोलना पड़ेगा अगर ट्रेडिशनल गलत सेंट है। अब आप ये देखिए मीम बनाते हैं, मीम कौन बना रहे हैं लड़के? दो कौड़ी का वो लक्ष्य चौधरी, उससे पूछ तूने क्या उखाड़ा है? कि यूट्यूब में छिछोरापन नहीं चलता, मैं नाम लेके बोल रहा हूं ठीक है, क्या यूट्यूब में छिछोरे नहीं है? हर इंडस्ट्री में सही और गलत लोग होते हैं। आपने एक कोई क्लब ज्वाइन किया ठीक है, आपने वहां पे पैसे दिए, वो एक क्लब के लोग तो इंडस्ट्री का 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो इंडस्ट्री का 0.00001 है जी। हर इंडस्ट्री में अच्छे काबिल लोग हैं, हर इंडस्ट्री में बेवकूफ हैं। यूट्यूब पे एक से एक थके हुए पड़े हुए हैं,
मतलब शक्ल देख ले तो आदमी उल्टी आ जाए, ऐसी ऐसे लोग हैं वो यूट्यूब में, तो उससे क्या सारे यूट्यूबर खराब हो जाते हैं? सर कभी भी ऐसा नहीं होता। तो उन लक्ष्य चौधरी या कोई भी बेवकूफ जो मीम बनाते हैं, मैं एक मीम बनाने वाले लड़के को जानता हूं, मैंने उससे पूछा तुझे क्या परेशानी है इंडस्ट्री से, कुछ नहीं कर रहे सर। सर वो मजाक उड़ा सकता है, वो सेंसिबल बात कर सकता है जिसने लाइफ में खुद कुछ कर लिया हो। सर गाली देके ना यूट्यूब व्यूज ले सकते हो, थोड़ा बहुत यूट्यूब से पैसा कमा सकते हो। व्हाट प्रोडक्टिव, आपने जीवन में क्या प्रोडक्टिव करके पैसा कमाया तब पैसा कमाओ, तो उसे गर्व से बोला जाता है मैंने ये काम करके पैसा बनाया। पैसा तो सर जुआ खेल के भी लोग बनाते हैं, पैसे तो स्मगलिंग करके भी लोग बनाते हैं। तो कोई दो कौड़ी ये वीडियो बना के उस पर व्यूज लेके यूट्यूब से पैसे कमा रहा है तो वो रहेगा दो कौड़ी कहीं, इसमें कोई डर नहीं है। मैं बोलता हूं मेरे से खुल के नाम लेता हूं मैं, आओ मीम बनाओ इंडस्ट्री पे, मैं तुम्हारी बैंड बजाऊंगा। कॉइन स्विच कुबेर वाले, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का क्लियर नहीं है, ट्रेडिंग करा रहे हो आप, इंडस्ट्री का कैसे गलत बोल रहे हो? तुम्हारा अपना भविष्य अभी सदमे में है, तुम कैसे बोल सकते हो अपना अभी क्रिप्टो करेंसी ग्रे एरिया में आती है, क्लियर नहीं है सर। राइट, तो दो कौड़ी का एक मतलब आजकल क्या हो गया है, मोबाइल एप्लीकेशन जितनी फर्जी मोबाइल एप्लीकेशन है, जितने फर्जी एफिलिएट मार्केटिंग है, वो मीम बना रहे हैं, उससे फायदा क्या होता है, उन्हें व्यूज मिल जाते हैं सर। ओके, रोस्ट इसलिए किया जाता है सर एमएलएम को, क्योंकि उन्हें फ्री के व्यूज मिल जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के से जुड़े हुए लोग महामूर्ख हैं, वो वीडियो पूरा देखते हैं और अपने आप को सर्कुलेट करते हैं, देख इसने हमारे बारे में ऐसा बोला है। सर मैंने नहीं देखा कोई पूरे वीडियो, लक्ष्य चौधरी वाला वीडियो मैंने 5 मिनट का देखा था, मैं इसकी तो शक्ल अच्छी नहीं, इसे तो कल बोलना नहीं आता इसे। सर पैसे आप कैसे भी कमा सकते हो, क्या प्रोडक्टिव आपने किसी व्यक्ति के लिए किया, क्या प्रोडक्टिव आपने किसी परिवार के लिए किया, क्या प्रोडक्टिव आपने किसी समाज के लिए किया, क्या प्रोडक्टिव आपने पूरे राष्ट्र के लिए किया, या क्या प्रोडक्टिव आपने पूरे विश्व के लिए किया, वो करके पैसे कमा के दिखाओ तब बात करेंगे। राइट, मैं सड़क पे चलते हुए हर भौंकने वाले कुत्ते को जवाब नहीं दूंगा सर, मैं सिर्फ ढंग के आदमी को जवाब दूंगा, वो जवाब लेने के लिए मेरे स्तर का होना चाहिए। कैन नॉट रिप्लाई टू ईच बार्किंग डॉग। राइट राइट सर, सर ये तो गर्माता जा रहा है मामला, तो मजा आ रहा है सर। सर मुझे नहीं लगता कि 1-1.5 घंटे में खत्म हो रहा है सर, आज तो मजा आ रहा है। सॉरी सर आपको घर पहुंचते हुए थोड़ी सी लेट हो जाएगी, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं तो पत्नी की डांट खा लेता हूँ। हाँ इट्स गुड इनफ सर, चलता है सर सबके घर में। ओके सर, सर यहाँ पे नेक्स्ट चीज में वापस से हम अब इंडस्ट्री के बाहर से वापस से इंडस्ट्री के अंदर ही आ जाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि मतलब मैं लास्ट 1.5-2 महीने से जब से मैंने सोचा कि हाँ आई नीड टू स्विच, मैं कुछ और करना चाहता हूँ एज कंपेयर टू माई लास्ट कंपनी, तो वहां पे सर मैं बड़े सारे लीडर से मिला और बड़े बड़े लीडर्स, बहुत बड़े बड़े लीडर्स, तो वहां पे मैक्सिमम जगह मेरे को एक चीज सभी बोलते थे, जब मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर या प्रोडक्ट्स की यूनिकनेस के ऊपर मैं जब बात करता था, और एक बहुत बेसिक सवाल सबको मैंने पूछा कि सर जो मेरा प्रॉब्लम था पिछली कंपनी में दैट वाज के रीपर्चेज नहीं हो रहा है, राइट? तो अब रीपर्चेज नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली बिजनेस मॉडल बैठ रहा है, राइट सर? तो मैंने उनको पूछा कि आपकी कंपनी का रीपर्चेज बढ़ाने का स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि रिपर्चेज होगा तभी कांस्टेंट टर्नओवर आएगा और तभी तो पैसिव इनकम आएगी, नहीं तो नहीं आने वाली। तो सबसे ऑलमोस्ट 99.9% लोगों से मुझे एक जवाब मिला, और बड़े बड़े लीडर, बहुत बड़े बड़े नाम सर, उन्होंने ये बोला कि सर डायरेक्ट सेलिंग में तो लोग पैसा कमाने आते हैं, इसमें प्रोडक्ट्स का वैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रोडक्ट्स बस होना चाहिए। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एक नैरेटिव है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, प्रोडक्ट सिर्फ होने के लिए होता है, असली चीज तो इनकम ही है और लोग इनकम नाम के लिए प्रोडक्ट्स होता है, नाम के लिए प्रोडक्ट्स, एग्जैक्ट लाइन अगर मैं बोलूं तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, प्रोडक्ट तो बस बहाना होता है, असली चीज। डू यू हैव अ डायरी? आप डायरी है आपके पास? हां हां सर। उस लीडर का नाम लिख लेना, अगले 3 साल में उसका करियर खत्म है।
अच्छा सर, तो इसके ऊपर थोड़ी सी आप अपने तरफ से बताइए सर। देखिए, अगर कोई किसी बेवकूफ को ये लगता है कि प्रोडक्ट सिर्फ नाम के लिए होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, ठीक है, तो वो बेवकूफ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आज भी मैं नाम तो कंपनियों का लेता नहीं हूँ, फिर भी बता रहा हूँ, आप जवाब आप समझ ही जाओगे सर। आज भी एमवे चल रही है इस देश में, ट्रू ठीक है, लोग सम्मान करते हैं वास्तव में दिल से एक आम आदमी जो नेटवर्कर नहीं है। हर्बल राइट। लाइफ चल रही है, ठीक है, नंबर वन, कोई कुछ भी कहे सर, टर्नओवर अगर इंडिया में बुक्स ऑफ रिकॉर्ड देखोगे ना तो उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, ठीक है। ओरिफ्लेम चल रही है, दुनिया भर, पूरे भारत के गांव देहात की महिलाएं उसमें काम करती हैं, ठीक है। टपरवेयर है सर, जीवन भर एक प्लास्टिक की गारंटी दे देती है, चल रही है। आपको शायद बर्तनों की दुकानों पर टपरवेयर बिकता हुआ मिल जाएगा। प्लान के बारे में कमिट नहीं कर रहा, लेकिन प्रोडक्ट बिक रहा है तभी टर्नओवर हो रहा है। ये जो बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट से कुछ नहीं होता, उनकी अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है सर। कई बार क्या होता है, दुप्पल में कुछ चीजें चल जाती हैं सर। सर प्रोडक्ट की लाइफ होती है सर, प्रोडक्ट की लाइफ नहीं होती है। अब आप समझ रहे हो डुप्लीकेट का क्या अंजाम होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ, आप समझ जाओगे सर। एक नोकिया की कहानी सारे नेटवर्कर सुनाते हैं, नोकिया ने समय पे नहीं बदला, उसने एंड्रॉइड को ठुकरा दिया था, आज देखो कहाँ है डागर सर सर। देख रहे हैं नोकिया शायद। के देख रहे हैं, अच्छा तो हाँ उसके बाद क्या हुआ, नोकिया के बाद क्या हुआ, नोकिया के बाद सर दो कंपनी थी, एक थी सैमसंग और एक थी एप्पल, ठीक है। फिर 2012-13 के टाइप का एक समय था बीच का, जब एक कंपनी आई जिसने अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया और सैमसंग वाले सारे फीचर लेके आधे रेट में माल उतार दिया, ठीक है, और सबसे बड़ा हैंडसेट का मार्केट इंडिया का कैप्चर कर लिया। द कंपनी नेम वाज माइक्रोमैक्स, ट्रू। ठीक है। सेकंड एक और आया, फिर उसके बाद आई कार्बन, उसने और सस्ता उतार दिया। तो अब कुछ लोग बोल रहे थे दुकान बदलो, अब इसे ज्वाइंट कर रहा हूं मैं दोनों मुद्दों को, ठीक है। अच्छा। कार्बन के बाद आई लावा, लावा के बाद पता नहीं सर कहां कहां से बाबा पता नहीं क्या क्या आया, ठीक है। क्या आज बिक रहे हैं सर प्रोडक्ट उनके? वो कंपनियां हैं कहीं जो सस्ते में, या ये बोल रही थी प्रोडक्ट नहीं बिकता है सर, प्रोडक्ट ही बिकता है, प्रोडक्ट ही बिकता है। जब भी एप्पल की टर्नओवर कई देशों की पूरी जो इकोनॉमी है उससे बढ़िया बड़ा है सर। सर प्रोडक्ट बिकता है, क्वालिटी बिकती है, आप प्रोडक्ट ही खरीदते हो सर, आप प्रोडक्ट खरीदते हो सर। आपने चश्मा भी खरीदा है, किसी ने चश्मे बेच के लेंस कार्ड बना दी सर प्रोडक्ट, ठीक है। किसी ने सर बोट ये ईयरफोन बना के प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है सर, ये खरीदते हो आप, ठीक है। तो जिस बेवकूफ को लगता है ना सर कि तेरी कंपनी की औकात क्या है, पूरी पूरा टर्नओवर बता, तू बहुत बड़ा आदमी है सर। प्रोडक्ट बिकता है तब प्रोडक्ट से बड़ी होती है कोई भी कंपनी। सर ट्रेडिशनल मार्केट में जाके देखो, लोगों ने पल्स नाम की टॉफी है, प्रोडक्ट है ना सर, जी कितने जी की आती है, 1 रुपए की टॉफी आती है सर, 500 राइट। करोड़ का टर्न ओवर है सर। आप दुनिया भर का तामझाम बोल रहे हो प्रोडक्ट बिकता है, और कहीं घरों में बल्क बाइंग नहीं हुई सर उस प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट लोग खाते हैं, ठीक है सर। प्रोडक्ट वो टॉफी लोग खा रहे हैं सर। मैगी मैंने बोला 15,000 करोड़ की, बताओ कौन से घर में जितने लोग यहां पे जुड़े हुए हैं कि मैगी खाते नहीं है, मैगी इज ए प्रोडक्ट सर। सर जो लीडर कहता है ना वो लीडर नहीं है, लफ्दड़ है, उसे समझ में ही नहीं आता प्रोडक्ट होता है क्या। टर्नओवर क्रिएटेड विद प्रोडक्ट, अगर तेरा तू बोल इसलिए नहीं पा रहा, तेरी प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट कूड़ा है, उसे खरीदता कोई नहीं है, तू बता ही नहीं पाएगा उसके बारे में, बताएगा क्या कि हम ये सड़े हुए से डिब्बे में, सड़ी हुई सी पैकिंग में सड़ा हुआ प्रोडक्ट लाए हैं। बोलने के लिए दम चाहिए, अच्छा प्रोडक्ट बनाओ तब बोल पाओगे। भिखारियों को प्रोडक्ट थोड़ी बेचते हैं सर, ऐसा प्रोडक्ट लेके जाओ ना कि अंबानी के घर में भी घुस जाओ,
प्रोडक्ट नहीं बिकता यार पूरी दुनिया में, अमेजोन क्या मतलब अमीर बन गया बिना प्रोडक्ट बेचे, वो नेटवर्क मार्केटिंग करी थी जैसे जो उसने है? वो अमीर बन गया, मतलब पूरी दुनिया यहां अमीर बन रही है क्या बेच के प्रोडक्ट, और आप कह रहे हो प्रोडक्ट नहीं होता। जितेंद्र सर ने कुछ लिखा है और फिर ऐसे ही मेरी कंपनी पीसीएमसी में नहीं आती, आओ बताओ। अब तुम्हें प्रोडक्ट बनाना नहीं आता, प्रोडक्ट के नाम पे तुम कूड़ा बेच रहे हो, तो तुम तो यही बोलोगे। सर एक काम करना, जीवन में किसी अच्छे प्रोडक्ट वाली कंपनी में काम करके देखना, ठीक है? तब आपके शब्द बदल जाएंगे, और जिसने बोला हो ना उसका नाम लिख लेना, 3 साल की लाइफ है उसकी। अरे सर लंबी लिस्ट कंपनी में बहुत टेकेगा नहीं वो, बहुत लंबी लिस्ट है सर। एक महीने में सर जी। अब क्या बोलूं मैं सर इससे ज्यादा। सर अगर ऐसे के पास बैठोगे ना, अभी जब वो प्लान दिखाने ना आया हो और कंधा दिया, तो कंधा गीला ही मिलेगा, रोता हुआ ही मिलेगा, भाई बर्बाद हो गया मैं तो। जी 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 सर, 2-3 लोगों ने तो चैलेंज दे दिया मेरे को। अच्छा हाँ जी सर, मैं तो सर प्रणाम नमस्कार करके थैंक यू सर बोल के आया सर, अब क्या तो भी बोलता। चैलेंज किस बात का होता है? अच्छा ये बताओ सर, ये चैलेंज मेरे को ये बोले कि सर आपका रेंज नहीं, मतलब आप हम जिस लेवल में पहुंचने वाले हैं उन्होंने भी एक्चुअली स्विच किया है कंपनी, ठीक है? तो मेरे को बस ये बोल रहे हैं कि भाई तुमको समझ में ही नहीं आएगा, हम इतने आगे निकल जाएंगे तुम आसपास भी नहीं भटक पाओगे हमारे। वो कुछ लोग ना जैसे कहते यार, ये एक बच्चा था कि उसे ये बहुत आगे जाएगा, वो जहां भी जाता था उसे लोग कहते जा रहा आगे जा यार। तो सर ये थोड़ा सा मतलब कभी कभी लगता है कि मतलब जब लीडर थोड़ा सा बड़े लेवल पे चला जाता है तो उसका घमंड भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। सर बड़ा लेवल नहीं होता, आप ये समझ लेना, बता देता हूँ आपको। लीडर जी जी जब झूठ बोल बोल के आपने पैसे कमा लिए होते हैं तो आपको अंदर से पता होता है कि ये सारे पैसे जो ना झूठ बोल के कमाए हैं, तो वो घमंड नहीं होता सर, वो लोगों से अपने आप को छुपाया होता है। तो हम भटकना भी क्यों है उनके आसपास? डागर सर कह रहे हैं हमें भटकना भी क्यों है उनके आसपास, ठीक बात। अरे सर अब बात तो सही है सर। अच्छा अरे सर मतलब ठीक है सर, सर कंटिन्यू करते हैं सर, मतलब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हाँ। रहा है अभी जी हाँ। सर तो अब बजट को क्या कहूँ, एक पॉइंट सर मैं भी बोलना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है सर, मतलब जितना साल भी डायरेक्ट सेलिंग में हमने काम किए, जिन कंपनीज में किए, अदर कंपनीज में देखे, हमेशा कस्टमर कहीं ना कहीं एक थोड़ा लॉस में रहता है। मतलब जैसे प्लान में तो हम ये बताते हैं ना कि प्रोडक्ट 100 रुपए का अगर है, 40 रुपए मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिशनल मार्केट में 40 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग है, 60 रुपए एडवर्टाइजमेंट या बिचौलिए है उनपे खर्च होता है, और डायरेक्ट सेलिंग में वो 60 रुपए नेटवर्क में बांट दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा इशू हमारे लिए ये होता था कि जो कस्टमर होता था वो हमें ये पूछता था कि प्लान के हिसाब से प्रोडक्ट मुझे सस्ता मिलना चाहिए, लेकिन मुझे जो प्रोडक्ट डीपी प्राइस में मिल रहा है वो तो मार्केट से ज्यादा है। और हम जब ये बात कंपनी को पूछते थे क्यों है, तो कंपनी से सोल्यूशन आता था क्योंकि सर हमें प्रोडक्ट के साथ पीवी बांटना होता है। सर दिस इज डन बुलशिट, बताओ कि तुम्हें प्रोडक्ट के साथ पीवी भी तो मिल रहा है इसीलिए महंगा है। मैं बताता हूँ सर, अब यहाँ पे आती है सर बेवकूफी की इंतहा। अब आप समझ लेना, एक्चुअली दिस इज क्वाइट डैम बुलशिट। अब आते हैं इस मुद्दे पे, ये मुद्दा आपने जो उठा दिया ना वो इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर ये समझ लिया तो फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है ये समझ लेना। सर आज तो सर नेशन वांट्स टू नो, आप बताइए सर वो। हाँ नेशन वांट्स टू नो ना, तो आज सुनो इसका जवाब। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वो चार्ट आपने सबका वो देख लिया ना कि भाई यहाँ पे फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना, ठीक है, इधर से वो चला किस पे, वेयर हाउस पे, उस पे डिस्ट्रीब्यूटर पे, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, और प्लस जो है उस पे एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट लगता है, बिल्कुल राइट। और इधर से हाईवे बना हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का, राइट। अब बात करते हैं सर, टर्नओवर उठाओ इंडस्ट्री का, ओपन योर आईज, ओपन योर माइंड, ठीक है?
99.9% या 5% माल आज भी ट्रेडिशनल से बिकता है सर, सिर्फ 0.5% माल है जो डायरेक्ट सेलिंग से बिकता है, राइट। अब बात करते हैं सर, आपके घर के दो रास्ते हो, आपको 20 किलोमीटर जाना हो, एक तरफ सुपर हाईवे है और दूसरी तरफ एक जंगल का रास्ता है जहां पे शेर डाकू चोर सब हैं, किले भी डाल रखी हैं, आप कौन से रास्ते से जाओगे सर, सुपर हाईवे से या दूसरे फटे हुए रास्ते से? सुपर हाईवे। हाईवे से जाओगे तो सर हाईवे इज ट्रेडिशनल मार्केट डम। एंड अब सुनो, आप पूछो डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, अब ये क्वेश्चन आप समझना, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग सर क्यों करनी चाहिए, किससे पूछो? पैसिव इनकम के लिए, इसके लिए, फलाना के लिए, धमाका के लिए, सर डिसाइड कौन कर रहा है? तूने डिसाइड किया, तूने कंपनी खोली नहीं खोली ना, डिसाइड उसने किया जिसने माल बनाया, और वो कौन है? वो है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, आप मैन्युफैक्चरर हो, आपके पास दो रास्ते हैं, एक है सुपर हाईवे ट्रेडिशनल मार्केट और एक रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग का, आप किस रास्ते से जाओगे सर, डायरेक्ट सेलिंग से या माल बेचने के लिए? क्योंकि आपका काम क्या है, आपने प्रोडक्ट बना दिया, अब आपको उसे एंड कस्टमर पे पहुंचाना है। तो आप बिजनेसमैन हो, ये सारे उसे नहीं मतलब सर, उसकी जेब पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो, अब आप समझना, एक 20 रुपए का 10 रुपए का साबुन बना, ठीक है, और वो 50 रुपए का बिक रहा है, उसकी कॉस्ट आई 10 रुपए, उसने प्रॉफिट डिसाइड किया कि मैं, मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 35 रुपए बांटने हैं कस्टमर को तो 50 रुपए का पड़ना है। तो डायरेक्ट सेलिंग से जाए या वो ट्रेडिशनल से जाए, उसकी सेहत पे कोई असर है? कोई असर नहीं है उसकी सेहत पे, ठीक है। उसे चाहिए, उसे मतलब है 5 रुपया से, उसे अपना 5 रुपया बचना चाहिए, देसी धंधा यही कहता है सर, धंधा, धंधे की समझ होनी चाहिए। अब मैं जो बोलता हूं ना, हिंदुस्तान के नेटवर्क को धंधे की इतनी सी समझ नहीं है जो गुजरात के 12 साल के बच्चे को होगी, और मुझे समझ में नहीं आता, सबसे ज्यादा गुजरात के नेटवर्कर को डूब के मर जाना चाहिए, उसे इतनी समझ नहीं है। तो अब सेकंड चीज क्या है कि मैन्युफैक्चरर क्यों आएगा सर नेटवर्क मार्केटिंग में, अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए तो सारे आंसर को जवाब मिल गया। सर हैरिसन ताले हैं, अलीगढ़ में बनते हैं, उन्होंने एक सर्वे करवाया कि हमारे एक पीरियड में कितने ताले बिकते हैं, तो जवाब आया 60,000 पीसेस। बोले प्रोडक्शन तो 10,000 की है, मतलब पायरेसी। मैं यूपी में रहता हूं, गाजियाबाद में, यूपी वेस्ट जो है 10,000 करोड़ का नकली दवाइयों का मार्केट है। सर ब्रांड्स, व्हाट इज ए ब्रांड? ब्रांड होता है सर, जूते बिकते हैं नाइकी के, रिबॉक के, एडिडास के, फिला के, आजकल स्केचर्स के, ठीक है। जींस बिकती है ली की और लिवाइस की, दीज आर ब्रांड्स, ठीक है। लेकिन सच्चाई यह है 2-5% तो ब्रांड बेचते हैं, बाकी सब डुप्लीकेट बेचते हैं जी। सर ये घड़ी है माउंट ब्लैंक की, अब मेरी घड़ी है माउंट ब्लैंक की है जी, ये 2 लाख की भी हो सकती है और 3,000 की भी हो सकती है। माउंट ब्लैंक क्या चाहता है, क्योंकि 3,000 में फर्स्ट कॉपी आती है और ओरिजिनल 3 लाख की आती है, 2 लाख की आती है, आप बताओ ये कौन सी वाली है? माउंट ब्लैंक क्या चाहता है, ओरिजिनल बेचे फर्स्ट कॉपी बेचे? मैं कह रहा हूं मैंने फर्स्ट कॉपी पेन रखी है, मैंने फर्स्ट कॉपी पेन रखी है 3,000 रुपए की, ठीक है, ओरिजिनल जी, ठीक है। रेबेन का चश्मा लगा के घूमते हैं कनॉट प्लेस में, 100 रुपए में 20 बेचता है वो रेबेन का चश्मा, रेबेन के जाता है ओरिजिनल बिके ओरिजिनल। तो सर जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें पायरेसी बहुत है, फैक्ट्री से निकलता है एक ट्रक, हाँ, और मार्केट में पहुंचते हैं 100 ट्रक 50 ट्रक, ठीक है। अब इसे सिस्टम को थोड़ा सा दूसरा लेते हैं, रिबॉक का एग्जांपल लेते हैं, जूते का जी। रिबॉक को पता है कि मार्केट में डुप्लीकेट बिक रहा है, अब रिबॉक ने कहा यार आप मेरी वेबसाइट है उसमें अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लो, और अकाउंट क्रिएट कर लिया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट कर लिए, जैसे मैं अमेजोन पे अकाउंट बनाता हूं मैंने रिबॉक की साइट पे बना लिया, और मैंने ऑर्डर दिया डायरेक्ट किसे, रिबॉक को, ओके। रिबॉक ने मुझे जूता भेज दिया, सर वो डुप्लीकेट आएगा ओरिजिनल आएगा? ओरिजिनल ओरिजिनल, ठीक है। एंड व्हाट इफ
कि अगर मैंने वो जूता पहन के इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दिया और साथ में मुझे रीबॉक ने एक रेफरल लिंक दिया तो सर पूरी दुनिया जो कमा रही है ना वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को बेच के बनाती है एंड दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। मैंने जूता अगर रेफरल लिंक डाला, अमरेश साहू ने खरीद लिया, दिस इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन अब गेम्स चेंजेस, अमरेश साहू ने भी अपना रेफरल लिंक डाला और अंकित भाई ने खरीद लिया, देन ये लेवल्स हो गए एंड दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉल्ड MLM। तो MLM चाहिए सर, किस लिए चाहिए? MLM चाहिए पायरेसी को रोकने के लिए। सेकंड थिंग, गौर लोग कहते हैं गवर्नमेंट ने, पागलों की तरह बेवकूफ मचाए हुए, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। सर गवर्नमेंट बंद नहीं करेगी। नेटवर्क मार्केटिंग इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। नेटवर्क मार्केटिंग इज सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। मैं यहां पे बोलता हूं मेरी PhD जो है रिटेल में है। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल। एक एक साबुन बिकेगा ना सर 40 रुपए का, उसका बिल कटता है सर, पक्का बिल GST पेड। चोरी नहीं होती सर, टैक्स इवेजन नहीं होता, ट्रेडिशनल सिस्टम में टैक्स इवेजन होता है। एक अब आते हैं ब्रांड बिल्डिंग। सर नेटवर्क मार्केटिंग एक नए मैन्युफैक्चरर को इसलिए भी चाहिए कि जब एक बड़ा ब्रांड आता है, कॉस्मेटिक में लॉन्च कर दो सर, कई लाख करोड़ चाहिए सर प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं यूनिक प्रोडक्ट पे। जब प्रोडक्ट अच्छे होते हैं तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोट होता है। वर्ड ऑफ माउथ से प्रमोट होता है सर, और नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा वर्ड ऑफ माउथ पूरी दुनिया में कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये सस्ते महंगे का कोई गेम नहीं है सर, ठीक है। ये है गेम जो मैं बता रहा हूं। मैन्युफैक्चरर आएंगे सर, रीबॉक को हो सकता है कल को जूता बेचना हो तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में आए, लिवाइस को अगर जींस बेचनी हो तो उसे नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारी सर ब्रांड्स हैं जिन्हें ब्रांड बिल्डिंग करनी है, वो आएंगे सर नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर है, ऑर्गेनाइज रिटेल है। और सर रिटेल जो है ना, रिटेल तो होता रहा है, होता रहेगा, अब ऑर्गेनाइज रिटेल का समय आ चुका है, राइट, ठीक है। तो ये बेवकूफों को समझा के कुछ नहीं मिलने वाला, नए लोगों को लाओ, एजुकेट करो, एजुकेट देम, राइट। वो पुराने वाले तो मेरे पास कार है, पता चला उसने कार बोला, अगले दिन वो बैंक वाले आए, गाड़ी उठा के ले गए। अच्छा सर, एक और यहाँ पे क्योंकि डिस्कशन चल ही रहा है तो एक और शायद सर 5 मिनट और ले सकते हैं सर? अरे बिल्कुल, अरे सर अब तो डांट तो पड़नी ही है। हाँ तो कम पड़ेगा ज्यादा, मतलब डांट तो पड़नी है सर। थैंक यू। तो सर यहाँ पे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो ADACI है उसकी भी एक हिस्सा है आप, और गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत वगैरह होती है, मिनिस्ट्रीज के साथ जो बातचीत होती है, तो सर एक यहाँ पे मेरे को मेरा आपको एक क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग फॉर्मेट को यूज करके बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर की कंपनीज हैं जो कि मे बी क्रिप्टो करेंसीज या कोई ऐसे सर्विस दे देते हैं उसमें, या फोरेक्स वगैरह सर्विस देके, एजुकेशन सॉफ्टवेयर, फोरेक्स वगैरह ऐसे करके, और मंथली सब्सक्रिप्शन एक ले जाते हैं महीने का, मंथली सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के जो लीडर्स जिनके इनकम नहीं हो रहे उनको वो बेस्ट टारगेट होते हैं उनके, और ये एक खेल भी चल रहा है इस इंडस्ट्री के ऊपर। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? एंड बहुत लोग कमा भी रहे हैं ये सब चीजों में जाके, कमा भी रहे हैं ऑब्वियसली, दिखा रहे दिन का इनकम। अब आज जो अंतिम भाई ने बोला बहुत लोग कमा भी रहे हैं, ये बात सही है, नहीं दिख तो रहा है भाई। कितने लोग देखते होंगे इस देश में क्रिकेट मैच? सर करोड़ों लोग देखते हैं सर, करोड़ों लोग। कितने लोग सट्टा लगाते होंगे? लाखों में होंगे, तो लाखों में होंगे। लीगल है? इलीगल है? इंडिया में नहीं है। इंडिया में इलीगल है? इंडिया में नहीं है। एग्जैक्टली दो शब्द हैं, फर्स्ट वर्ड इज लीगल एंड अनदर वर्ड इज मोरल।
ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि कुछ लेडीज भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। गैम्बलिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन पूरी दुनिया में इमोरल है, बट कुछ देशों में लीगल है, इस देश में इलीगल है। और सर इलीगल की बात है, जैसे मुझे किसी ने बोला था, कुछ साल पहले का इंसिडेंट बता देता हूँ। तो बोला सर मुझे ना प्रोडक्ट बेस पे काम करना पसंद नहीं है। ये बड़ा आंसर आया मेरे तो मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर बेचना तो नहीं। मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ, शादीशुदा आदमी की तो बड़ा दर्द होते हैं। मैंने पूछा सर घर में आपकी शादी हो गई, मेरी हम उम्र है। बोले हाँ सर। तो मैंने कितने साल हुए, बोले 16। मैं सर ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, घर में तीनों टाइम वही खाना बनता जो आप खाते हो, मतलब बीबी वही बनाती है जो आपको पसंद है? नहीं। तो आप समझ ही सकते हो नहीं, ठीक है। मैंने कहा यार तेरे अपने घर में साला, तेरे अपने घर में खाना बनता नहीं तेरी पसंद का, और तू चाहता तेरी पसंद से देश में लॉ बन जाए, ठीक है? तो चलेगा नहीं भाई। अब मुद्दा ये है कि जब तक कर रहे हो कर लो, चोरी है सर बोलते हैं, लेकिन जिस दिन पकड़े गए उस दिन उल्टा टांग दिया जाएगा। सर बोलते हैं कि सर 6 महीने 1 साल चलेगा है। सर 1 साल में लाखों कमाएंगे, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। हम तो कमा सर मैंने ना बड़े बड़े देखे हैं, मैं यहाँ पे कुछ चीजों की रियायत वो कर रहा हूँ, रियायत दे रहे हैं। हाँ रियायत दे रहा हूँ क्योंकि ये फेसबुक लाइव है, अगर इंटरनल जूम होता ना तो मैं इसका जवाब भी ऐसा देता, फिर समझ में आ जाता बहुतों को, ठीक है। सर देखो जब पकड़ा गया वो चोर है, ठीक है, अगर पकड़ा गया ना, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, तो शाहरुख खान के लौंडे को भी रगड़ दिया सर, ठीक है। और यहाँ तो कोई शाहरुख खान का लड़का नहीं है, यहाँ तो सब लल्लू लाल हलवाई है। मिठाई बनानी भी नहीं आती, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं आती, और नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर बने बैठे हैं। तो बोलो या तो सर गेम खेलना है ना तो अपने गेम के खिलाड़ी बनो। ये ग्राउंड में सर पूरी भीड़ बैठी होती है, वो तालियां ही मारती है और बहुत चिल्लाती है, ठीक है। बात वो है, हाँ सर कुछ लोग कमा जाते हैं, कुछ चोर चोरी कर ले जाते हैं सर, ठीक है। सारे चोर नहीं पकड़े जाते, ये बात सही है, लेकिन रहते वो चोर ही है सर। आपको हर आदमी को ये डिसाइड करना है कि वो चोर बनने आया है या वो बिजनेसमैन बनने आया है। आप किसे चुनते हो, आपका मुद्दा क्या है? लोग आदमी से पूछो तू क्या बनना चाहता है, तू सिर्फ पैसे कमाना चाहता है, तो पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग अगर सर चोरी करके उल्टे काम करके पैसे कमाने हो तो शायद मेरे लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग लास्ट थिंग होगी। भगवान ने बुद्धि दी है, बहुत तेज दी है सर, कोई भी फ्रॉड करके पैसा कमा सकता है आदमी, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे ही फ्रॉड क्यों करना है उसे? अरे सर डागर सर फर्जी है, डागर लो सर लो सर डागर सर यार रह नहीं पाए सर, आपको आना ही पड़ा। सबसे तो ये जोश दिलाए जा रहे थे आपकी विशेष टिप्पणी डागर सर प्लीज। नहीं मेरी सुबह अमरेश ने मुझे बोला ना सर, तो मुझे बोला कि सर वो फेसबुक लाइव मैंने कर लेते हैं, तो बोले वो डागर सर, मैंने कहा सर डागर सर कंपनी के मालिक है, उनकी बहुत सारी मर्यादाएं होती है, मेरी थोड़ी है। नहीं जो मर्यादा भंग करनी थी वो तो आप पहले ही कर चुके ना, तो मेरा भी अरे नहीं 2-3 क्वेश्चन थे, मैंने कहा यार अच्छा है अमरेश जी ने अच्छे क्वेश्चन करे हैं, और न्यू पीपल बहुत देख रहा था कहीं ना, पुराने मित्र भी हैं आज लाइफ के अंदर, मैंने अभी देखा है। आप बड़े गहराई से देख रहे हैं सर तो यहाँ पे। आज एक्चुअली फ्री बैठा था, कल 26 जनवरी है, कहीं जा नहीं सकते थे,
जी और तो आज मैं बैठा हुआ था, काम कर रहा था, तो यही एग्जैक्टली मैंने कहा देख लेते हैं, और डॉक्टर साहब आ रहे थे तो मेरी सुनने की इच्छा जरूर थी, क्योंकि तो सुनाते बहुत है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सुनती बहुत है, तो मैंने कहा जब अपने घर वालों की सुने ढंग से। एक्चुअली दो चीजें थी जो मैं आपके क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन पे था, डॉक्टर साहब ने अच्छा पुट किया, एक तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो थोड़ा होता है ना वो क्लियर कर देते हैं, आप लोग ना काम बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे मतलब इस चीज की बड़ी खुशी है कि ये प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है तो हम लोगों को क्लियर कर पाएंगे, और इस चीज में कोई शौक नहीं कि किसी पर कमेंट किया जाए, कमेंट करने के लायक तो कोई नहीं। जब मैंने आपको लिखा था जब कुछ लोगों ने कहा कि हम इतना आगे निकल जाएंगे कि आप नजदीक नहीं भटक पाओगे, अरे हमें भटकना ही नहीं आपके नजदीक, आप समझ ही नहीं पा रहे मतलब ये कुछ ऐसे डायलॉग होगी कि राखी सावंत कहेगी मैं एक दिन इतनी प्रसिद्ध हो जाऊंगी कि तुम मेरे चक्कर भी नहीं काट पाओगे, अरे आप जब प्रसिद्ध हो गए इफ यू हैड बीन कैटरीना का वी मस्ट हैव बीन फोर्ड वंस, कैटरीना कैफ को तो लोग विक्की कौशल की शादी के बाद भी स्ट्रोक कर रहे हैं, राखी सावंत को तो कभी स्ट्रोक किया ही। तो दो चीजें हैं, फर्स्ट थिंग इज जो फर्स्ट चीज आपने बोली थी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों, और वो मॉडल एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग का जो रीढ़ का हड्डी है, जो कोर है ना, उसी को लोग नहीं समझ पाए। मैं 99.99% फेलियर्स को डायरेक्ट सेलिंग में आज भी एक बात कहते हुए सुनता हूँ, जब लोग बोलते हैं कि हम ये बात, ये मुद्दा, ये इशू लेके लोगों के पास जाएंगे ना, तो लोग नहीं समझते हैं ये सब बातें। अरे लोग नहीं समझते हैं तभी डायरेक्ट सेलिंग ईजाद हुई है, कि उन्हें कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी समझाने के लिए टाइम दे। सी द काइंड ऑफ एनर्जी, हम समझते तो जनसंख्या भी नहीं है, 150 करोड़ लाके लिमिटेड रिसोर्स पे बिठा दिए हम लोगों ने, और आज भुगत रहे, समझते तो हम जनसंख्या भी नहीं है। अब आपके देश का लीडर ये बोलने लग जाएगा, हम बोलते हैं कि सर जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आओ, या रिजर्वेशन पे बात करते हैं, हमारे नेता भी नेटवर्कर की तरह बात करने लग गए, अरे सर कोई नहीं समझता, सर कोई समझेगा ही नहीं। तो ये दुकान बदलने का व्यवसाय नहीं था, ये फर्स्ट डे से एजुकेशन का व्यवसाय। हम आए ही इसलिए हैं कि लोग बेसिक्स को नहीं समझते हैं, तो मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर साहब जैसे, अमरीश जी जैसे, और बहुत सारे और पढ़े लिखे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, वो लोगों की दुकानें ना बदलवाएं, उनकी सोच बदले, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग। यू मस्ट इंट्रोड्यूस यूनिक प्रोडक्ट्स। लीडर हम इसलिए बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में लीडर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम स्टेज पे खड़े होकर बहुत जोर से चिल्ला सकते हैं। एक दिन एक बंदे ने माइक दिया था, तो मेरे को आज भी याद है कि लीडर को माइक मिला एक कंपनी के स्टेज पे, मैं ऑडियो वाले के साथ खड़ा हुआ था, वो लीडर चिल्ला के बोला तो उस बंदे के दिल से आ निकली, बोलता सर मेरा 3 लाख रुपए का माइक है सर। तो मैंने कहा तुझे पता नहीं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटर्स को ये वाले माइक नहीं दिए जाते, सेंसिटिव लोग और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है। मैंने कहा ये तेरा माइक तो आज गया। सो लीडर्स आर दोस पीपल हु चेंज थॉट्स। भारत देश 200 साल से गुलामी में नहीं था, भारत देश 500 से 1000 साल की गुलामी में था, एंड वी हैव एक्सेप्टेड, वी वर लाइक कि हाँ गुलाम ही होते हैं लोग, गुलाम पैदा होते हैं, लोग गुलाम मरते हैं। उस टाइम पे एक 19 साल का पागल नौजवान निकला है, भगत सिंह निकला है, उसने कहा आई डोंट बिलीव इन सच एन आइडियोलॉजी, मैं आजाद मरना चाहता हूं और दूसरों को भी चाहता हूं वो आजाद पैदा हो, आजाद मरे। देन गांधी जी केम एंड गांधी जी चेंज्ड बिलीफ सिस्टम ऑफ इंडियन पीपल, कि अगर आप मेरे साथ चलोगे तो हम अंग्रेजों से और बाकी लोगों से मुक्ति पा सकते हैं। लीडर्स आर द ऑलवेज हैड बीन द पीपल हु चेंज्ड द बिलीफ सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, दैट टू इन मासेस। लीडर वही व्यक्ति है जिसने आम जनता की सोच बदल के रखी। आम जनता बेचारी क्या है, हमेशा दबा कुचला सोचेगी, हमेशा अपने लिए छोटा सोचेगी, हमेशा एकदम गरीबी में जीना चाहेगी, उनकी बातों में कहीं कोई हिम्मत नजर नहीं आएगी, कोई उम्मीद नजर नहीं आएगी, कुछ नजर नहीं आएगा। एक लीडर है वो हमेशा जोश में रहेगा बावजूद इसके कि उस देश में महान कहलाने लायक कुछ नहीं है, पर वो अपने देश को महान बोलता है और वो लोगों को इस चीज का इंस्पायर करता है कि वी टुगेदर वी कैन, हम बना लेंगे, हम इसको महान कर लेंगे, हम इस चीज को कर देंगे। दैट इज वाई वी कॉल समवन एज लीडर, दैट पर्सन हु इज चेंजिंग द थॉट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल
कल्टीवेटिंग होप, कल्टीवेटिंग मैनरिज्म, कल्टीवेटिंग न्यू डायरेक्शंस, मतलब उन लोगों को, टूटे हुए लोगों को उम्मीदों के साथ जोड़ रहा है। तो वो एक बड़ी अच्छी लाइन है जो था, इंसान एक अजीब परिंदा, उम्मीदों से घायल, उम्मीदों पे जिंदा है। तो लीडर उम्मीदों को दोबारा बांधता है। मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, सेनापति वो नहीं होते जो सेना को लड़ना सिखाते हैं, सेनापति वो होते हैं जो टूटी हुई फौज को, जख्म खाई हुई फौज को ये बताता है कि आज तो बेटा चार ही जख्म खाया, मतलब ढंग से नहीं लड़ा है, कल इस बाजू में मेरे को एक डीप कट चाहिए और ऐसा खून निकलना चाहिए, कम से कम आधा लीटर खून बहना चाहिए, तो मेरे को लगेगा तू मेरा फौजी है। और अगर सोचो कि कोई सेनापति ऐसा हो जाए, जैसे आजकल हमें माँ बाप मिल रहे हैं कि जंग में किसी को चोट लग गई और कहे कल जंग में तलवार की पिट्टी करूंगा या हम घोड़े की पिट्टी लगाएंगे, तो फिर तो बन चुके फौजी, फिर तो फौजी ना बन पाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज वी आर इनटू डायरेक्ट सेलिंग सो दैट वी कुड चेंज द परसेप्शन ऑफ पीपल टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, टुवर्ड्स यूसेज ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड वी कैन इंट्रोड्यूस देम व्हिच इज समथिंग यूनिक। टुडे एवरी इंटेलिजेंट पर्सन, अमरीश जी, मैं आप डॉक्टर साहब के डॉक्टर साहब है, उन्होंने बता दिया रिटेल गए हैं, मैं आप अंकित जी हम में से कोई भी व्यक्ति ना सर मेडिकल से नहीं है, बट आज हर एक मेडिकल का बुद्धिजीवी बात कर रहा है एंटीबायोटिक वर्सेस एंटीऑक्सीडेंट। मैंने कितनी मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करे हैं जहां वो लोग एक स्कोप पे चर्चा कर रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट माइट रिप्लेस एंटीबायोटिक्स, विच इज फिनोमिनल, विच इज रेवोल्यूशनरी। मतलब एक चीज जिसके साइड इफेक्ट को हम स्टडी कर चुके हैं, दूसरी तरफ एक चीज जो 100% नेचुरल है, इतना ब्राइटन स्कोप है सर ह्यूमैनिटी का, एंटीबायोटिक वर्सेस एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन अगर नेटवर्किंग ना हो तो ये समझाओगे कैसे, और ये कब तक एंटीऑक्सीडेंट वर्सेस एंटीबायोटिक समझ पाएंगे लोग? मेरे ख्याल से लगता है कि डायनासोर दोबारा पैदा होके दोबारा मर जाएंगे अगर डायरेक्ट सेलिंग नहीं होगी तो कोई एंटीबायोटिक वर्सेस एंटीऑक्सीडेंट समझ नहीं पाएगा। सो पीपल ओ देयर लाइफ टू डायरेक्ट सेलिंग, पीपल ओ देयर लाइफ टू डायरेक्ट सेलिंग, दैट इज व्हाई वी आर हियर, दैट इज व्हाई एजुकेटेड पीपल आर हियर। अदरवाइज डायरेक्ट सेलिंग कोई ऐसा मॉडल नहीं है, जैसा अंकित जी ने कहा कि ये 60 पैसे पीवी ज्यादा देते हैं इसलिए रेट बढ़ा दिए, वो तो हम बातें ज्यादा मारते हैं सर, रेट तो इसलिए भी बढ़ा सकते हैं, माइक ज्यादा अच्छा फोड़ लेते हैं इसलिए भी बढ़ा सकते हैं, रेट अगर बढ़ाने का कारण ही बताने तो 100 कारण हो जाएंगे फिर तो। तो लोग तो इसीलिए बहुत परेशान है सर, मतलब अगर लाइक आई टॉक अबाउट माय सर्कल या फिर अपडेट अपने सर्कल, देखिए हम लोग ये चीज देखते हैं कि अच्छा सर्कल है, सब कुछ है, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, अच्छा प्लान होगा, कोई अच्छी कंपनी होगा, लोग करना भी चाहते हैं सर आज के डेट में, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। बट वही होता है कि व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट सेलिंग लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं, नहीं नहीं भाई डायरेक्ट सेलिंग को सर अगर एक्सप्लेन करने को कुछ नहीं है, कुछ सीख के सिखाने को नहीं है तो वो बिजनेस ही नहीं है सर। अगर सर कुछ बदलवाने को है, सीख के सिखाने को नहीं है तो बिजनेस नहीं है। मैं भी बोर हो जाऊंगा सर अगर मुझे नई चीज सीखने को ना मिले, सी मैं कंप्यूटर गेम आपको खेलने को देता हूँ, वो फर्स्ट डे आपको इंटरेस्ट करेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ एक साल यही कंप्यूटर गेम इसी लेवल पे खेलना है, सर आप कंप्यूटर भी फोड़ दोगे, मेरा सर भी फोड़ दोगे और हो सकता है खुद भी सुसाइड कर दोगे। यू कांट रिपीट दैट थिंग एवरी डे, यू नीड न्यू लर्निंग। अगर वही गेम है तो कम से कम लेवल ही बदल दो यार, अदरवाइज इस बोरिंग गेम हम कैरी ऑन कैसे करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन था सर जिसने मुझे यहाँ पे बुलाया कि फ्यू पीपल आर अर्निंग इन बैड कॉन्सेप्ट, मैं तो हमेशा बोलता हूँ सर बैड हो या गुड हो, जहां टर्नओवर होगा वहां पैसा होगा। क्वेश्चन ये है, मैं जो सबसे बड़ा क्वेश्चन करता हूँ, ऐसा नहीं कि हमें पोटेंशियल नहीं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ हमें पोटेंशियल, वी कैन सेल शैम्पू, वी कैन सेल ड्रग ऑल्सो, हम तो दोनों काम कर सकते हैं बॉस। और अपन भी आंख बंद करके नहीं बैठेंगे, हमें ये नहीं पता कि ड्रग्स की मार्केट नहीं है, या हमें ये भी नहीं पता है कि ड्रग्स में प्रॉफिट ज्यादा है। मैं तो बोलता हूँ जिसको ओवरनाइट रिच बनना है, एक ही रात में अमीर बनना, ड्रग्स बेचे, वो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वेस्टमेंट प्लान भी ना करो, बेवकूफ है। मतलब हर जगह आदमी इन्वेस्टमेंट प्लान करता है, थोड़ा बेवकूफ प्रोडक्ट करता है, बड़ा बेवकूफ इन्वेस्टमेंट करता है। जब तुझे समझ आ गया इट्स ऑल अबाउट मनी एंड यू आर रेडी टू डू एन एथिकल वर्क, तो ड्रग बेचना ओवरनाइट अमीर हो जाएगा, मतलब पूरी जिंदगी भर का पैसा आ जाएगा, सीधा पैसा है बॉस, कैश। गवर्नमेंट को भी कोई ज्यादा समस्या नहीं है, टीडीएस भी नहीं देना है। बट व्हाई पीपल आर डूइंग, बिकॉज दे डोंट, कभी कभी लट पहन लेते हैं रेपुटेशन, उनको कोई मतलब ही नहीं, उनके पास कोई पारिवारिक
है ही नहीं कि किसी की इज्जत बचा के रखनी है। जिनके पुरखों के पास कोई इज्जत नहीं रही उनकी अपनी भी चली जाएगी तो जाएगा क्या उन लोगों का। लेकिन जिन लोगों के पास फैमिली रेपुटेशन है ना, जिसको जिसके किसी के बाप ने कंधे पे हाथ रख के बाद जरूर बोली होगी कि बेटा पैसे भले ही दो कम कमा लियो लेकिन देख इज्जत बचा लियो यार परिवार की, तेरे बाप दादा ने बड़ी मेहनत से नाम बनाया है, वो तो साहब सोचेगा कि मुझे गलत धंधे में नहीं जाना। लेकिन जिसके बाप ने बोले कि देख तेरे पुरखों ने ना तो इज्जत बनाई ना पैसा बनाया तो कुछ तो बना लियो, तो वो तो सर फिर कहीं भी जाके कुछ भी करेगा। He doesn't fear such things. और कुछ भी करने से पैसा आ जाता है। मुझे तो कई बार लगता है कि जो आपने बोला वो पॉइंट ही गलत था कि कुछ लोग कमाते, मुझे तो लगता है लोग सुअर को पत्थर मारे उसमें भी पैसा आने लग जाएगा एक दिन, कि कुछ लोग तो इंटरेस्ट लेंगे कि सुअर को पत्थर मारता सुअर भागता है मजा आता है 5-10 रुपए दे देते हैं। पीपल कैन डू एनीथिंग। पहले लोग सांप नचवाते थे वो भी लोग पैसा फेंकते थे, बंदर नचवाए तो भी पैसा, अब लोग लोगों को नचवा रहे हैं पैसा उसमें भी आ रहा है। तो मुझे नाच सारे जानवर ही रहे हैं, बुद्धिमान आदमी नहीं नाचता, सांप नाचे बंदर नाचे अब इंसान नाचेंगे तो ये चलता ही रहता है। तो वी कांट फोकस ऑन दैट, दैट्स इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है सर, बंदूक की जरूरत अपराधी को है, आतंकवादी को है, पुलिस वाले को भी है और मेरे देश के सोल्जर को भी है। तो अच्छी चीजों की जरूरत हर किसी को है, हमें ये डिसाइड करना है कि हम कितनी अच्छी चीजों को लेके जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम स्लो हैं, हम स्लो नहीं हम स्टडी हैं, क्योंकि आज से 10 साल बाद जब हमारे पैरों में उतनी जान नहीं बचेगी ना तब हमारे कॉन्सेप्ट की जान हमें आगे लेकर जाएगी। तो वो बात ना, वो भी बूढ़े नहीं हुए समझते नहीं है, लेकिन जो 55-60 साल के हैं और पिछले 10-15 साल इंडस्ट्री में लगा चुके हैं वो खूब समझ रहे हैं हमें स्टेबल हो जाना चाहिए था, हमने गलती कर दी। सर वो तो चुप है ना। सर वो तो चुप है ना, चुप रहते हैं सर वो, चुप ऐसे हम वो बोलते ही नहीं है सर, कुछ भी होता रहे। मैं फिर वही बात कहूंगा सर, आपकी मर्यादा ही नहीं है मेरी। अरे अरे सर थैंक यू सर, मतलब मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था धमाकेदार सेशन होगा आज और बहुत सारी तड़कती भड़कती बातें, तड़कती भड़कती डिस्कशन तो होंगी। नहीं सबसे बड़ी बात है सर, यू गाइस आर ब्रिंगिंग एजुकेशन, एक्चुअली वी ऑन यू अ लॉट थिंग। हम अगर अगले रहेंगे तो हम आप जैसों के प्रति एहसानमंद रहेंगे। हमने 16 साल लर्निंग करी, 15 साल लर्निंग करी अंग्रेज जी, वो बड़ी बातें नहीं है। हमारी लर्निंग खत्म भी हो सकती थी, हम भी डिमोटिवेट हो सकते थे कि अब यार किसी को यहाँ पे सीखना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तो किसको सिखाए किसको समझाए, जो मरता है मरने तो हम मरे आगे भी मरेंगे, वो भी किया जा सकता था। लेकिन शायद मैं डॉक्टर साहब को छोड़ लो हम डिटरमिन थे कि ना मरना है ना मारना है, यार ये दो चीजें कन्फर्म। लेकिन आप लोगों के एहसानमंद इसलिए क्योंकि हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यूजुअली मैं तो नहीं प्रेफर करता, मैं पहली बार बताऊँ तो ईमानदारी में मेरा शायद लाइव भी पहली बार आप ही के साथ है, वरना मैंने तो छुपके ग्रुप में लाइव किया, मुझे तो पब्लिक उतना भी फेस करना पसंद नहीं है जरा सा। तो मैंने तो अर्जेंट ट्रेनिंग ग्रुप का एक ग्रुप बनाया था कि बाहर के लोग ना सुने क्योंकि उनके सवालों के जवाब कौन देगा। मतलब मैं तो वो इंग्लिश एक कहावत है उसका बहुत बड़ा प्रेमी हूँ, अगर मेरा कभी बस चला ना तो मैं छाती पे टैटू करवा लूंगा उस चीज का। तो वो एक उन्होंने कहा था नेवर एवर रेसल विद पिग, यू विल गेट डर्टी एंड पिग लाइक से। और वो मैंने इसीलिए हिंदी में भी लिखा परसों तरसों कि आजकल किसी की बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है, कोई बोले कि मैंने हाथी उड़ते हुए देखा तो उसे बोलो सुबह मेरी बालकनी में बैठा। मैं टिपिकली उस लाइन का व्यक्ति हूँ कि मुझे कोई पूछे कि बहस करनी है तो मैं कहूंगा भाई जो तुम बोल रहा ना वो शुद्ध सत्य है। लेकिन जब मुझे भी लग रहा था कि शायद पब्लिक होप ना खो दे तो आप लोगों ने सेशन करे, डॉक्टर आशीष के साथ आज बहुत अच्छा सेशन करा, तो इन चीजों से इन सेशन से ना वो पब्लिक जो हमें गलत लेती है वो समझेंगे। क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में आज भी बताता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल रन बिहाइंड पीपल टू मेक देम जॉइन, एंड आई एम द वन जिसका फिनोमेना ये है कि 365 दिन में मैं उल्टी लिस्ट बनाता हूँ। मतलब अगर मैंने एक साल में 1000 लोगों को अपने साथ काम करने के लिए रिजेक्ट नहीं कराना तो मुझे नहीं लगता मैं काम भी करता, मुझे 1000 लोगों को तो ब्लॉक करना ही होता है। मैं 90% लीडर्स को धमकी देता हूँ खुलेआम कि तू फोन पे बात कर रहा है आज तेरा लास्ट है डिसीजन, अभी तूने हाँ नहीं करा तो कल सुबह ब्लॉक है और तू जिंदगी भर के लिए ब्लॉक है। तो मतलब आई फील मोर इंटरेस्टेड कि 150 करोड़ के देश में मुझे ये रिकॉर्ड बनाना है दैट जितेंद्र डागर हैड बीन वन ऑफ द पर्सन इन डायरेक्ट सेलिंग जिसने सबसे ज्यादा लोग ब्लॉक कर रखे थे।
एक दिन भारत सरकार ये डेटा दे कि हमने चेकिंग कराई तो सबसे ज्यादा ब्लॉक इस बंदे ने कर रखे हैं बंदे. तो नॉट एवरीवन इज देयर फॉर योर नेटवर्क एंड नीड टू प्रमोट दैट. और आप लोग उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एस्टेब्लिश कर रहे हैं एंड इट इज सर्कुलेटिंग. और नेटवर्क जो करते हैं ना गर्दन उठा के करना चाहिए मुझे जो लगता है. मेरे को तो अगर कोई आदमी बोले थोड़ी सी गर्दन झुका लो मैं आपके साथ नेटवर्क कर लूंगा, नेटवर्क करेगा मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगा, तू गर्दन झुकवा देगा तो किसी बात कर रहा है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इवन इन. पुष्पा ने बोला है झुकेगा नहीं. झुकेगा नहीं साहब, बिल्कुल सही है. नेटवर्क मार्केटर समझ के टावर सुपर कोच होते हैं वो. सुपर कोच होते हैं वो जाके फर्जी कंपनी कर लेते हैं. अरे सर मर्यादा happens, sir, happens. आपने जो एक होप की बात की ना सर, मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगा. इनफैक्ट राइट नाउ ऑल्सो सर आई एम इन कॉन्टेक्ट विद फ्यू लीडर्स ऑल्सो. मतलब लोग ऐसे हैं कि सर होप छोड़ चुके हैं कि सर डायरेक्ट सेलिंग में तो और कुछ हो ही नहीं सकता सर, और तो कुछ अच्छा हो ही नहीं पाएगा. एंड दैट इज द मतलब वो चीज मुझे सबसे ज्यादा मतलब फील होता है. अगर सर मैं कहूँ टैलेंटेड लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, हार्डवर्किंग लोग हैं, बस कहीं ना कहीं एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाने की वजह से या सही अप्लाइंस या जो भी है. एंड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है सर. आई पर्सनली नो पीपल आल्सो. एंड मेरा एक सवाल बहुत अलग है अंकित जी, मैंने दुनिया को थोड़ा अलग देखा, मेरा सवाल बिल्कुल अलग है. मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं और एक पेशेंट है जो आप जानते हो 10 दिन बाद ये बिल्कुल नहीं बचेगा, मतलब ये आपको कंफर्म है. और वो बंदा 10 दिन पहले आपसे एक बात पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या मैं बच जाऊंगा, क्या मैं बच सकता हूँ, और आप कंफर्म हो सर वो नहीं बचेगा, तो आप 10 दिन पहले उसे क्या स्टेटमेंट देना चाहोगे सर? अच्छा मतलब होप देना चाहिए सर, नहीं देना चाहिए? आप बताओ सर आप क्या करोगे? मैं तो शायद होप दूंगा कि भाई 10 दिन भी मरने से पहले 10 दिन भी अच्छे से जी के मर जाए. एग्जैक्टली, होप इज समथिंग डिवाइन. होप ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो एक इंसान दूसरे इंसान को दे सकता है. मेरे को पता ना सर कोई आदमी 10 मिनट बाद मरने वाला है तो भी मैं उसे इतनी होप दूंगा कि अगले 10 मिनट अगर ना भी बच पाए ना तो 10 मिनट वो ये सोच के जिंदगी जिए कि अगले 20 साल वो जीने वाला है. होप देना ना सर परमात्मा का कार्य है. आदमी नहीं भी कमा रहा हो ना सर मैं तो भी उसे ये होप देना चाहूंगा. मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एक डायलॉग बोलता हूँ, मेरे को जिंदगी भर जब भी चुनाव मिलेगा तो मैं एक ही चुनाव करूंगा, मैं लोगों को औकात दिखाने से ज्यादा सपने दिखाना पसंद करूंगा. मेरे को जब भी चॉइस मिलेगी मैं किसी को सपना दिखाऊंगा, औकात नहीं दिखाना चाहूंगा. लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि होप नहीं है, वो औकात तो मिनट में दिखा देते हैं लेकिन सपना किसी इसको नहीं दिखाते. मेरे को पूरी जिंदगी कॉन्ट्रीब्यूट करनी पड़ जाए लोगों को सपने दिखाते हुए तो मैं पूरी जिंदगी सपने दिखाना पसंद करूंगा सर, बस औकात नहीं दिखानी किसी को. तो होप इज समथिंग डिवाइन, विदाउट होप वी आर नथिंग. होप है हम हैं सर, होप है मेरी कंट्री है, होप है मेरे माँ बाप है, होप है तो ये दुनिया है सर. उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये मैंने नहीं कहा, मेरे सर आपका स्टेटमेंट ही सुन लेते हैं वो इतने ड्रीम्स दिखा देते हैं कि वो ना मतलब एक बच्चे को कहते हैं तू बेटा 12.5 फुट का बनेगा बड़ा होके. कुछ ज्यादा ही सपने दिखा देते हैं सर आपको, कुछ ज्यादा ही लोग सीरियस ले लेते हैं सर. तो देखो सपने वो दिखाने चाहिए जिसमें होप बंधे, वो नहीं दिखाने चाहिए जिसमें डिजायर जाग जाए. होप और डिजायर दोनों में बहुत अंतर है. अब मैं बोलूंगा तो मेरे को बाबा होने के पैसे मिलने लग जाएंगे. कोई बात नहीं, डिफरेंस बिटवीन होप एंड डिजायर. डिजायर इज समथिंग यू वांट टू अचीव विदाउट वर्किंग. होप इज समथिंग दैट आई एम अश्योरिंग यू कि इफ यू विल गिव योर बेस्ट देन यू मे गेट. होप में अंतर ये है कि जब तुम अपना बेस्ट दे दोगे तब शायद मिल जाएगा, और डिजायर ये है तुम करो या ना करो तुम्हारा हक है उस चीज पे. अरे कुछ नहीं करेगा तो इसका हक थप्पड़ों पे है, थप्पड़ लगने चाहिए जोर के, और कुछ नहीं है सर. कुछ लोगों को अच्छी कंपनी करने का होप खत्म हो गया है. उसे मोहित जी ताकत कहते हैं, उसे होप नहीं बोलते. उनको शिला जी से 5 पैकेट मेरी तरफ से लेके आके हो सकता ताकत है रिजल्ट आए. सर यहाँ पे तो बड़ा रिवॉल्यूशन हो गया फिर तो. हाँ नहीं करेंगे सर, द पीपल लाइक यू द एजुकेटेड सर. हमें तो कुछ कंपटीशन सर, हमें ना कुछ कंपटीशन वालों को शिलाजीत जैसे भी देनी पड़ेगी, कम से कम लड़ने का दम तो आ जाए, नहीं तो छिछोरी हरकतें कर रहे हैं.
उतना ही कर सकते हैं सर, जिसमें जो करने का दम होगा डॉक्टर साहब वो वही कर सकता है सर। सर कुछ लोग छेड़खानी कर सकते हैं, कुछ शादी भी कर सकते हैं, और छेड़खानी करने वाला शादी नहीं कर सकता, और शादी करने वाला छेड़खानी नहीं कर सकता। तो बेचारों को कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा क्या यार, करना है तो सामने से करो ना, पीछे से छुप छुप के मत किया करो। नहीं नहीं इतना दम नहीं है, चलो वो छोड़ो, उनको पता है इनके यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, तो अनपढ़ों वाली हरकत पीछे करेंगे, मुंह पे तो नहीं करेंगे। और कंपटीशन भी क्यों बोलते हो ना, मेरे को ये तो बात आपकी गैर मर्यादित लगी। अच्छा ब्रदर्स ऑफ सेम इंडस्ट्री बट नॉट कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर जब आएगा तो पता लग जाएगा। और अंकित जी और बताइए सर, आपकी तो आज दुगनी खुशी। अंकित जी से मेरी पहली मुलाकात है, अच्छा लगा अंकित जी। यस सर, यस सर, सर तो अंकित जी को बोलता हूँ, डागर सर को कॉल कर, अंकित जी बोलते हैं नहीं नहीं सर कुछ अच्छा करके फिर बात करेंगे। मैंने बोला ठीक है सर, आपकी मर्जी, अच्छा कर रहे हैं सर, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं सर। नहीं सर बस एवरीथिंग इज नॉट अबाउट बिजनेस ओनली, आपसे और आशीष सर, सर दोनों से ही सर बहुत कुछ बात करना है सर। एक्चुअली मैं थोड़ा चीजों को और अच्छे से समझना चाहता था पहले, एंड मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजों को सर मैंने समझा भी, और उसके बाद मुझे लगा कि सर इफ आई हैव कन्वर्सेशन इट विल बी मोर वर्थ इट, कि मैं भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, कुछ समझ भी पाऊँ, कुछ सीख भी पाऊँ। तो काफी डिफरेंट मुझे बहुत कुछ लगा सर, बिकॉज इतने कंपनीज को हमने स्टडी भी किया, देखा। इनफैक्ट सर मैं तो खुद बोलूंगा कि कुछ महीने पहले हम ही खो चुके थे सर, ऐसा सीन था। और काफी डिस्कशंस मेरी अमरीश जी की मेरी काफी महीने तक होती थी, और मैं सर को यही बात बोलता था कि सर मतलब कितना मुश्किल है कि कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना या यूनिक प्रोडक्ट, हमें डार्जिस के बारे में तो पता नहीं था कुछ, एंड लाइक वी शुड डिस्कस सर क्या एक नॉर्मल एक सिंपल टू लेग में प्लान बनाना इतना मुश्किल है सर, क्या एक कंडीशन फ्री प्लान बनाना इतना मुश्किल है, क्या कंज्यूमर के लिए कुछ अच्छे प्रपोजल देना इतना मुश्किल है कि कोई भी कंपनी कर नहीं पा रहा है, एक अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो या यूनिक प्रोडक्ट्स हो, अच्छी पैकेजिंग हो, और एक ढंग के अफोर्डेबल मतलब एक सेंसिबल प्राइसिंग में। पर डिस्कशन होता था कि यार सर इज इट नॉट पॉसिबल एट ऑल टू मेक दिस काइंड ऑफ कंपनी और दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और दिस काइंड ऑफ प्लान, एंड सर कहीं ना कहीं हमें ही फील होने लगा था बहुत सारी कंपनीज देखने के बाद कि नहीं भाई ये शायद डायरेक्ट सेलिंग में हो ही नहीं सकता, बिकॉज कोई भी नहीं कर पा रहा है और कोई कर नहीं रहा है, व्हाट एवर मे बी द रीजन हमें नहीं पता। एंड व्हेन वी केम टू नो अबाउट डाजू नाइन, काफी थोड़ा हमें भी लगा कि भाई इतनी सारी बातें बोली जा रही है सही है नहीं है, बट व्हाट एवर सर एफर्ट जो आपका हमने देखा या जो कंपनी का हमने देखा, मतलब इट वॉज फैबुलस सर। इनिशियली कई सारे वीडियोज मैं थैंकफुल हूँ आशीष सर का, हमने जब ज्वाइन नहीं किया था ये इमीडिएटली ज्वाइन किए थे, सर के वीडियो से ही काफी नॉलेज मिला, और बाकी कई सारे वीडियोज से तो मतलब इतना अच्छा नॉलेज मिल भी नहीं पाया। एंड लाइक हमें पता नहीं था कि आशीष सर की टीम में हम ज्वाइन कर रहे हैं, आफ्टर आई थिंक 10 डेज अमरीश जी टोल्ड मी कि वी बिलोंग टू आशीष सर टीम, तो मुझे लगा कि थैंक गॉड कि मतलब वाकई में कितने अच्छे और सेंसिबल और कितने नॉलेजेबल पर्सन, मतलब एक मजबूत सेनापति के साथ ज्वाइन किया सर। वही आशीष सर आज कह रहे थे कि मतलब जब आपसे फर्स्ट टाइम मिले थे सो लाइक ही वाज क्वाइट एंड यू वर स्पीकिंग, एंड सर आज अभी बोल रहे थे कि सर जब अपने से कोई बेटर हो तो सर अमरीश जी इस बात को समझेंगे सर, ऐसा होता है कि सर मैं भी मतलब सुनना तो मतलब ठीक है सर आई लव लर्निंग, बट वही होता कि जब मुझसे कोई बेटर होता ना तभी मैं मुंह बंद करके सुन पाता हूँ, अदरवाइज इट डजंट मैटर कोई कितना सक्सेसफुल है। आज तक मेरे को नहीं सुना, इनडायरेक्टली बोल दिया वो बेटर है और वो सच है सर। नहीं ऐसा नहीं है, अमरीश जी की कुछ बातों को सुनता भी हूँ, कई सारी बातों को भी सुनता हूँ। अबे कब सुना यार, बता दे वो डेट बता दे, ज्यादा अमरीश जी को सुनना पड़ता है मेरी बातें। मैं घर में बीवी को सुनता हूँ, घर के बाहर अंकित को सुनता हूँ, यही लाइफ है सर मेरी, और दोनों अपनी गलतियां नहीं मानते सर, वो दूसरी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ की। अब जो भी है जो कबाट सर, लेकिन बहुत अच्छे हैं एक्चुअली। लेकिन सर बहुत बहुत मतलब अभी तक सर मैं भी हमारे फर्स्ट चेक्स भी नहीं आए हूँ, लेकिन सर जो एक्सपीरियंस रहा है डाजू नाइन में दैट हैज बीन रियली समथिंग वेरी डिफरेंट सर, भले आपसे बात नहीं हुआ हो या फिर आशीष सर से बात नहीं हुआ हो या कुछ भी नहीं हुआ हो, लेकिन सर मैं एक आउटसाइडर जैसा फील करना चाहता था कि हाउ डज अ न्यू पर्सन जिसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, जो टॉप में मैनेजमेंट को नहीं जानता कुछ नहीं जानता, सो व्हेन ही इज कमिंग टू द कंपनी हाउ डज ही फील गेटिंग द प्रोडक्ट्स और डूइंग द रिटेल या जस्ट बेसिक लेवल पे बस एक अंडरस्टैंडिंग से प्लान दिखाना क्या करना। और वो मैं जरूर कहना चाहूंगा सर इवन विदाउट एनीथिंग एक वंडरफुल एक्सपीरियंस कंपनी के वो सपोर्ट सिस्टम से हो या चाहे वो टिकट भेज के हो, मेरा एक्चुअली सर डेट ऑफ बर्थ में एक प्रॉब्लम था डेट ऑफ बर्थ मेरा, एंड सर मैंने एक टिकट भेजा 3 घंटे में ही वो करेक्ट हो गया। तो सर यही चीजें मैं देखना चाहता था कि बाई डिफॉल्ट कैसा है कंपनी में सब कुछ,
और ये ऑर्डर करके जो हमने देखा सर, एक अगेन सर बुराई तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन फॉर पास्ट कंपनी में 16 वेयरहाउस थे, लेकिन फिर भी भुवनेश्वर में ऑनलाइन ऑर्डर मारते थे तो 4 दिन लगता था। तो इट डजंट मैटर सर, आज राजू नैन में भी हम ऑर्डर मारते हैं 4 डेज ही लगता है। सो आई डोंट थिंक सर, मतलब जो चीजें हैं 3.5 ईयर्स में, इट इज फैबुलस। व्हाटएवर सपोर्ट सिस्टम और व्हाटएवर काइंड ऑफ लॉजिस्टिक्स और व्हाटएवर द प्रोडक्ट्स, तो मतलब वी आर शॉक सर, मैं यही कह सकता हूँ, वी आर शॉक। शॉक सर, वर्ड इज शॉक। किसी को बताते हैं सर, नोबडी इज रेडी टू बिलीव अस, मैं कह रहा हूँ सर। नो सच्ची में सर, आज मैं किसी को बता रहा था, बोला अरे यार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मतलब तुम चारकोल फेस वॉश एक बार यूज करोगे और वो बंदा श्योर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कि हाँ प्रोडक्ट डिफरेंट है, अलग है, यूनिक, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी मम्मी को आज फेस वॉश करवाया और सच्ची बता रहा हूँ, मम्मी का रिएक्शन वॉज द टेस्टिमनी फॉर मी चारकोल फेस वॉश का सर। एंड अगर भी प्रोडक्ट कभी किसी को हमने यूज करा दिया या बता दिया, समझा दिया, दिखा दिया, वो प्राइस पे, डीपी प्राइस पे उनको बिलीव नहीं आता है, हमें उनको कई बार प्राइस लिस्ट भेजना पड़ता है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं वही अमरीश जी को कह रहा था कि सर पहली बार ऐसा लग रहा है कि 4-5 साल से ऐसा लग रहा था कि वी डोंट हैव द राइट प्लेटफॉर्म, पता नहीं क्यों, और फर्स्ट टाइम हम फीलिंग की सही जगह पे आए हैं, एक सही मतलब जो बोला अपर हैंड हमें मिल रहा है सर पहली बार। आज किसी ने टेस्टिमनी दी थी, एक लाइन में मैं बताऊंगा, टेस्टिमनी लंबी थी बट मैं एक ही लाइन में समझाऊंगा, बड़ा हंसी वाली बात थी। तो उस बंदे ने कहा कि यस्टरडे आई वाज सिटिंग विद अ डायरेक्ट सेलर और हमारी खूब बहस हो रही थी, तो उसके बाद वो कुछ समझ नहीं रहा था, बोले उसके बाद मैंने उसे कुल्फी शेक खिला दिया। अरे सर ये कुल्फी शेक तो बहुत मतलब अलग ही लेवल का चीज है। हमने सर एक मतलब एक शेकर में उसको पिलाया और उसने सर 8 खरीदा इंस्टेंट। तो उसने वही कहा, कह रहे उसके बाद उसे सब समझ आ गया। अच्छा, अरे मुझे पता है सर कौन है वो, आज बात हो रही थी उनसे। मेरी भी हुई थी। अरे सर गावा तो जी बड़े जबरदस्त है सर हमारे। एब्सोल्युटली। चलो सर, आई होप जी मिशन चुका था। कुल्फी शेक पीना चाहिए, पिलाना चाहिए सबको, कुछ भी हो जाए जी। अरे दिव्यांशी मैम बोली उनकी पिंपल चली गई 16 दिन में, क्या कुल्फी शेक नहीं यार। दिस थिंग व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, अभी दीपा मैम ने जैसे टेस्टिमनी दिया, मेरे पिंपल्स ऑलमोस्ट रिमूव्ड हो गए इन जस्ट 16 डेज। दिस इज समथिंग आई वाज टॉकिंग ऑन दैट डे, लाइक डायरेक्ट सेलिंग का हम ये काम करना है। वी आर नॉट हियर जस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग सेल्स, we are here producing such results. ये results sale produce करते हैं ना सर, माल दिखने से ज्यादा बड़ा satisfaction मुझे इस चीज का है कि I cleared up a face of a girl. एक लड़की का फेस क्लीन होने का क्या मतलब है ये समझ नहीं आ सकता उस आदमी को जिसने जिंदगी भर पैसा घुमा के पैसा कमाया, बट अगर एक लड़की का फेस क्लियर, that shows in this world कि अगर परमात्मा ने तुम्हें जीवन दिया था और तुम उसके मीडियम बने हो तो यू आर समथिंग इन लाइफ, मतलब आप ऐसे ही इस दुनिया से विदा नहीं हो रहे, कुछ करा है। किसी का जब घुटना ठीक होता है, किसी का कुछ ठीक हो जाता है, किसी का स्टोन निकल जाता है, those things are which actually gives you motivation. अगर लीडर को मोटिवेट करना पड़ता है तो कंपनी पीसीएमसी में है, मेरे से तो गवर्नमेंट तो मैं बोलूंगा जो लीडर को मोटिवेट करे उस कंपनी को पीसीएमसी में डाल दो, वही है जो मनी सर्कुलेट कर रही है। जिसका प्रोडक्ट मोटिवेट करे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जिसका लीडर मोटिवेट करे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड कंपनी, वो सिर्फ पैसा घुमा रही है, कुछ नहीं रही है। जी सर, जी सर, सर बहुत तगड़ा सेशन था आज, और इसको सर मैं डाउनलोड करके यूट्यूब में जरूर डालूंगा, और बहुत लंबा भी, और लंबा है सर। और सर हम लोग सर लंबा डिस्कशन पसंद करते हैं, ये छोटे मोटे 2-2 मिनट का मजा नहीं आता सर। तो सर थैंक यू आशीष सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और सर सॉरी, हाथ जोड़ के माफी आपको घर जाके जो डांट पड़ेगी उसके लिए सर, और अब तो मार पड़ेगी। थैंक यू आशीष सर, थैंक यू डागर सर, मतलब आपने अपने तरफ से इंटीटिवली सर आपने ज्वाइन किया, थैंक यू अंकित जी, यू आल्सो फाइंड आउट, आपने वक्त निकाला, और बड़ा मजा आया सर आज का सेशन, एंड ऊपर वाले से यही कृपा है कि सर यही सर मैं कृपा चाहूंगा, ऊपर वाले मेरे पे आशीर्वाद करे
कि ये जो माहौल सर जो यहाँ पे आज 2 घंटे का था, सर ये माहौल बना रहे सर, बिजनेस तो ऐसे ही होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। थैंक यू सर। तो हफ्ते का तो हम कर ही लेंगे। अब तुम बीजों पे तावा नहीं बनने दोगे, किसी को चुप नहीं रहने दोगे हैं? अरे सर बिल्कुल नहीं, अब तो बातें खुलेंगी मार्केट में सर, आप बस देखो मजा आएगा अब तो काम करने में सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर सर, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।